शोभित जी हेलो हेलो शोभित जी कैसे हैं। राकेश जी आए सर। हेलो राकेश भाई कैसे हो। बस विश्वजीत जी अमित भाई आप कैसे कैसे हो आप। विश्वजीत जी बहुत बढ़िया हूँ सर। आप बताइए आप कैसे हैं। प्रीतम दास जी अमेजी क्लिप्स के इस क्लिप्स के साउंड सिस्टम इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं। प्रीतम जी इसका जवाब तो यार सही है कुछ भी नहीं दे सकता मैं। एक्चुअली जैसी क्वालिटी आपको मिलती है उसी तरीके का प्राइस होता है। अभी आप किसी भी चीज़ में देखते हो तो एक नॉर्मल गाड़ी अगर हम लेते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन कुछ 5 लाख 6 लाख के आसपास आ जाती है। बट अब आप एक लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हो कोई मर्सिडीज ले रहे हो तो वो उनकी जो कीमत है 50 लाख 60 लाख ऐसे करके होती है। तो इसी वजह से उनकी कीमत ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो क्लिप्स है उसके स्पीकर्स की कीमत ज़्यादा होती है। मतलब कंपनी जो भी आपसे पैसा ले रही है उसके बदले में आपको वो चीज़ भी दे रही है। अगर आप एक इंटेक्स परचेज करते हो सोनी परचेज करते हो सोनी का एग्जाम्पल हम लेते हैं अगर तो सोनी का होम थिएटर आप ले रहे हो तो 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में आ जाता है। बट उसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी जितनी होती है। अगर इसी की जगह आप एक अच्छा होम थिएटर लगा रहे हो क्लिप्स के स्पीकर्स लगाते हो डेनन या किसी भी कंपनी का ब्रांच का एम्पलीफायर लगाते हो एवीआर लगाते हो तो वो महंगा तो है बट नेचुरली है कि जितनी उसकी कीमत है उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स भी देगा। पीस सतीश कुमार जी अमित सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सतीश जी कैसे हो आप। मैं बहुत बढ़िया सर आप बताइए आप कैसे हैं। हरपिंदर सिंह जी व्हाट इज दैट काम चले गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यामा 180 एंड देन 1080। एक मिनट सर जी। हाँ जी तो क्या पूछा था आपने। यामा 1080 एंड 1130 सर। यामा जो सा है वो आपका 7.2 चैनल है बट जो हमारा 3700 है 3700 है डेनन का वो 9.2 चैनल एम्पलीफायर है। बाकी कंपनी का फ़र्क है तो प्राइस में भी फ़र्क आएगा आपको। यामा थोड़ा सस्ता मिल सकता है आपको डेनन का प्राइस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो। प्रीतम दास जी क्लिप्स एंड कॉल ऑडियो में बेटर कौन सा है। प्रीतम जी बेटर देखो ऐसे नहीं बता सकते। अगर हम देख रहे हैं और उसकी कीमत देख रहे हैं तो उस हिसाब से कह सकते हैं। हाँ अगर ये बोल सकते हैं कोई भी स्पीकर है पॉक ऑडियो का 50 हज़ार का एंड एक वही जो सा स्पीकर है 50 हज़ार का आपको दे रहा है तो शायद मतलब ये चीज़ कंफर्म नहीं है तो शायद हो सकता है कि क्लिप्स वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो। बट यहाँ पे एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक पंगा और होता है वो पंगा ये आ जाता है कि जो हाई एंड कंपनीज होती है ना जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें बनाती हैं वो अगर एक छोटा सिस्टम बनाती है मान लेते हैं क्लिप्स की बात करते हैं क्लिप्स जो है वो काफ़ी हाई एंड कंपनी है बट वो अपना पूरा जान लगा देती है जो भी वो मॉडल निकालते हैं और उस हिसाब से उसका प्राइस भी होता है। बट अगर यही कंपनी सोचेगी ना कि हाँ हम एक एंट्री लेवल की चीज़ भी बनाते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको वैसी नहीं मिलेगी। तो मैं हमेशा कई बंदे मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो अगर तो आप बहुत अच्छा पैसा खर्च रहे हो तो आप एक हाई ब्रांड की तरफ जाओ तो आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। बट अगर आपका बजट कम है ना तो आप एक नॉर्मल ब्रांड की अच्छी चीज़ लो वो ज़्यादा बेटर रहती है उसमें। कि अगर आपका बजट कम है तो पॉल ऑडियो को खरीद लो क्योंकि उतने पैसों में पॉल ऑडियो आपको बहुत अच्छी चीज़ दे देगा बट क्लिप्स उस पैसों के अंदर में नहीं होगी उसके अंदर। और यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा जो नेट है ये भी शायद स्लो चल रहा है। साउंड डिफरेंस में अरविंदर जी फर्क है बिल्कुल है। यामा जो है वो थोड़ा वार्म साउंड देता है। अगर आपको वार्म साउंड पसंद है तो डेफिनेटली आप यामा की तरफ जाइए। अगर आपको एक क्रिस्पी साउंड चाहिए आपको एक ब्राइट साउंड चाहिए है तो उसके लिए जो डेनन है वो ज़्यादा बेटर है। अभी पीछे वाली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट भी किया था इसी बारे में कि आप यामा नहीं बेचते हो इस वजह से आप यामा को वार्म बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है आप दोनों को सुनिए डेमो लीजिए और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए। और मैं जो भी बात करता हूँ वो मैं ऐसे हवा में नहीं करता। जो मेरे को खुद को एक्सपीरियंस हुआ होता है उस बात का जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका होता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बेस पर बोलता हूँ कुछ भी बोलूँगा। तो
यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो श्री क्लिप्स की टेक्नोलॉजी अलग लेवल की है, ज़्यादातर ऑडियो डेक उन्हीं की डिज़ाइन है, किसी सर है। आप देखिए क्लिप्स है जो सा जेमो है, जेमो भी क्लिप्स का ही ब्रांड है, तो डेफिनेटली क्लिप्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। सिस्टम की कीमत सिर्फ उसकी कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसने जिस जिसका लाइसेंस लिया है उसकी भी कॉस्ट वो कंपनी पे करती है जो कस्टमर पे पड़ती है। नेचुरल सी बात है यार, अगर मैं अब आपके लिए कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा अब सपोज कर लो कि मेरा शोरूम है जैसे, तो यहाँ पर मैं 3 बंदों के साथ में काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं अपना खर्चा निकाल कर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर मैं 30% का लेस दे देता हूँ। बट यहाँ पर अगर मैं 10 बंदे रख लेता हूँ अपने स्टाफ के अंदर, तो उनकी सैलरी भी तो मुझे देनी है, तो वो कहाँ से आएगी सैलरी? वो जो 30% मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, वो 30 की जगह मैं 20 कर दूंगा या 25 कर दूंगा या 15 कर दूंगा अपने खर्चों के हिसाब से। तो ऐसे कोई भी कंपनी है उनकी R&D के ऊपर जो पैसा लगता है वो इंक्लूडेड होता है, जो उनकी क्वालिटी कंपोनेंट्स हैं वो तो है ही है, देखो उसकी तो कोई बात ही ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, बट उसका जो खर्चे हैं वो भी तो बीच में ऐड हो रहे हैं यार। जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी चीज़ महंगी होगी। 20 बुकशेल्फ स्पीकर्स और कोल्क S60 टावर स्पीकर। सर ये कूल इंडिया जी रूम साइज के हिसाब से तो आप अगर बुकशेल्फ भी लगा रहे हो तो बिल्कुल बेटर है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ पर आप टावर्स भी लगाना चाहते हो, बजट आपका अच्छा है टावर्स लगाने का, तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर बजट कम है आपका तो आप बुकशेल्फ भी लगा लो, वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे इससे इसके अंदर। तार वाले माइक जो होते हैं ना यार, ये परेशान करते हैं। चलिए जी हिलना डुलना बंद करें और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नीलामणि राव जी AVR and AVC, तो AVR जो है उसको बोला जाता है कि AV रिसीवर, उसके अंदर ही एबीसी होता है, ऑडियो वीडियो कंट्रोलर, जिसको हम प्री एम के अंदर यही फर्क होता है। गजेंद्र मेहरा जी हाय ब्रदर, हेलो गजेंद्र जी कैसे हैं आप? सतीश कुमार जी कह रहे, सतीश कुमार जी आपके लाइव शो स्टार्ट होने से पहले मैं आपका ओम्स का वीडियो देख रहा था, मेरा एक डाउट पड़ता है। सतीश जी बिल्कुल नहीं पड़ता, मैंने वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई थी, तो शायद आप वहां तक अभी पहुंचे नहीं होंगे, मैं भी हो सकता है। तो किसी भी ओम्स का, किसी कितने भी ओम्स का आपका स्पीकर है, वो चाहे लो है चाहे वो हाई इम्पीडेंस का है, उससे साउंड क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम्स के बढ़ने या कम होने से उतना करंट हमारे एम्पलीफायर से खींचता है, यानी कि उसके ऊपर उतना ही ज्यादा जोर डालता है, और अगर उसका ओम्स ज्यादा होता है तो उतना ही वो कम लोड हमारे एम्प पे डालता है, कम वोल्टेज खरीदता है, खरीदता नहीं सॉरी खींचता है। तो आप अगर कभी किसी भी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर हमेशा इस तरीके से कुछ वाटेज को बताया गया होता है कि 70 वॉट्स एट 8 ओम्स एंड 130 वॉट्स एट 4 ओम्स, यानी कि 4 ओम में वो कम वॉटेज 4 ओम देगा, बट साउंड क्वालिटी के अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको कभी भी। यार ये नेट स्लो चल रहा है क्या मेरा? मेरी वीडियो यार सही आ रही है भाई लोग, एक बार प्लीज बता देना। राकेश कुमार जी 18 32 10 रूम सिटिंग पोजीशन 22 फीट, बेस्ट साउंड इफेक्ट के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा? सर सिटिंग अगर आपकी 22 फीट दूर है अगर आपकी, तो सर 7.2.2 आई थिंक आप लगा रहे हैं। आपके सेटिंग जो थी उसमें रॉ कितने हैं? देखो अगर एक ही रॉ है आपका सेटिंग के अंदर या दो ही रॉ आ रहे हैं अगर आपके, तो उस कंडीशन में आप अगर 7.2.2 भी लगाते हो तब भी वो बेटर रहेगा, बट अगर आपका रो जो है वो उससे ज्यादा आ रही है तो फिर वहां पर आपको एटमोस के स्पीकर भी बढ़ाने पड़ सकते हैं, या फिर आपको बैक स्पीकर जो है हमारे सराउंड बैक है वो भी लगाने पड़ सकते हैं। तो आपकी रो के ऊपर डिपेंड करता है कि सीटिंग जो है वो कितने बंदों की आ रही है।
विश्वजीत जी, जैसे सर SDR का DDS वर्जन का सबसे लाइसेंस के प्राइस फायर करना पड़ता है। बिल्कुल सर, कंपनी को महंगी होती है, फिर ब्रांड रहती है नाम भी। बिल्कुल विश्वजीत जी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पकड़ लिया आपने बात को। सर मेरे हिसाब से सर डेनन जोन्स है रविंदर जी, वो ज़्यादा बेटर है। सॉरी, अपना RX A1080 9.2 चैनल नहीं है, वो 7.2 चैनल है, बट उसके अंदर जो प्री आउट दिया गया है वो हमें 9 चैनल का दिया गया है। अगर आप उसे 9 चैनल पे चलाना चाहते हो तो आपको अलग से एक 2 चैनल का एम्पलीफायर साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। इमरान जी भाई, पोल कॉडियो विजन टी सीरीज कैसा है, लेने क्या यार? देखो इमरान जी, आपका बजट कम है अगर तो आप ले लो उसको, बट अगर आपका बजट अच्छा है तो इससे बेटर चीज़ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा आपको कि इस टावर स्पीकर्स को लेने से अच्छा आप बुक शेल्फ स्पीकर्स ले लो, कोई अच्छे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने एक पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, अभी लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ एक बार आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आपका ये वाला डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। 60K में मिल रहा है, 60K में मिल रहा है सर, 60K में मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? फ्यूजन टी सीरीज, हाँ तो 60K में ठीक है सर, मिल रहा है वो तो ठीक है, बट अगर बात क्वालिटी कर रहे हैं तो एक बात है। आप कितने में देंगे सर? प्राइस तो ऐसा ही कुछ आएगा, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा रेट के अंदर, बट सजेशन अगर मांग रहे हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना चाहिए आपको। बफर हो रहा है और यार, मुझे सतीश जी मुझे भी यही लग रहा है कि बफर क्यों हो रहा है, बट पता नहीं। नोनो नोनो नेट यार नीचे चलाया हुआ है क्या? फायर स्टिक लगाई हुई है यार, इधर वीडियो नहीं आ रही मेरी सही, कर दो बाबू। चलो शायद अभी हो सकता है ठीक हो जाए, नीचे बंद करवा रहा हूँ मैं। सिग्नल पता नहीं क्यों आज कल कम आ रहा है, फोन का भी कम आ रहा है, नेट का भी कम आ रहा है। टनाए सब ऊपर आने की उम्मीद है। नहीं शोभित जी, 99 पॉइंट तो नहीं है, कोई करिश्मा हो जाए अगर तो हो जाए, या मिल जाए तो मिल जाए, वैसे उम्मीद नहीं है फिलहाल। सर पोल कॉडियो टी S20 से थैंक यू सर। S20 का रेट मेरे को अभी फाइनली तो नहीं याद में, मेरे ख्याल से कुछ 26 के आसपास का आप लगा के चलो। व्हाट इज द बेस्ट प्राइस ऑफ 3700 सर? 3700 का प्राइस अगर तो एक्चुअल प्राइस जो है वो आप इंस्टाग्राम पर मेरी टीम है वहाँ से बात करके आप ले सकते हो, और वैसे रफली अगर आपको बताऊँ तो एक और एक दस के आसपास का पड़ता है। यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस बताना मुश्किल हो जाता है। नंबर टेक सर जेमो स्पीकर्स कॉस्ट एंड क्वालिटी, सर क्वालिटी जो सी है जेमो की बेटर होती है, अच्छी होती है। कॉस्ट जो सी है वो आपके मॉडल पे डिपेंड करती है, जेमो का हर एक मॉडल या किसी भी कंपनी का हर एक मॉडल एक ही रेट का नहीं होता। कहाँ से मिलेगा? मिलेगा सर हमारे पास से मिल जाएगा, जेमो हम सेल करते हैं, बट आप मॉडल नंबर बताइए तो ही कुछ आगे बात कर सकते हैं। स्नेहलता जी, 7 9 2 का सेटअप की कॉस्ट कितनी आएगी? गेमिंग प्ले स्टेशन 5 म्यूजिक एंड मूवीज, तो सब कुछ ही आ गया मैम इसमें, बचा क्या? बस जी होम थिएटर, ये तीनों चीज़ों के काम ही आता है। तो 7.2.2 की कॉस्ट आप लगा कर चलिए, रफली अगर लगाते हैं तो कुछ 2 लाख के आसपास आप लगा कर चलिए, बाकी तो जब मॉडल डिसाइड होगा उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा, बट 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आप लगा के चलें अगर अच्छा सेटअप आप बनाना चाहते हैं। पोल कॉडियो S15 बुक शेल्फ किस प्राइस में है? S50 शोभित जी आपको 20,000 के मिल जाएंगे। जेमो होम थिएटर सर, जेमो होम थिएटर सर मॉडल नंबर बताइए ना, ये ऐसे कैसे पता लगेगा आपका कहाँ है? सर मेरा न्यू दिल्ली के अंदर है, विष्णु गार्डन एरिया है। राजकमल जी,
राजकमल मूवी 12 to 20 रूम साइज है, तो कौन सा सिस्टम सही रहेगा? सर साइज के साथ साथ आप अपना बजट भी बताइए। ये नंबर ट्रिक जी, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके वेरी गुड, आप भी दिल्ली में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, शिपिंग के पैसे बचेंगे आपके, आप खुद आकर ले सकते हो। तो भाई लोगों कृपया करके इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, सतीश कुमार जी डील्स कुछ है क्या? सर अभी तो डील्स तो कोई ऐसी नहीं है फिलहाल, तो अभी तो प्राइसेस जो से हैं वो काफ़ी अप जा रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में प्राइस जो से हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे भी, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। और हाँ, मेरे पास में अभी डेनन 1600 जो सा है वो आ चुका है स्टॉक के अंदर में, 6 पीस ही आए हैं उसके, तो अभी पीछे काफ़ी लोगों के रुके हुए थे जो कि मांग रहे थे तो मैं नहीं दे पा रहा था, बट अब अभी वो है स्टॉक में, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो सॉरी आप ले सकते हैं। ओनली दिल्ली में ही सर्विस दोगे देते हो क्या आप? नहीं स्नेहलता जी, ऑल ओवर इंडिया, जहां आप बुलाएंगे हम वहां आएंगे। सर डेमो हर चीज़ का नहीं मिलता यहां पर, नंबर ट्रिकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका डेमो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, बस ये जो चीज़ें ये अपनी ब्रांड वैल्यू के नाम से ही सेल हो जाती हैं, और कोई भी डीलर जो भी बेचता है वो हमेशा उन्हीं चीज़ को बेचता है जिसका उसको पता होता है कि क्लाइंट के लिए वो सही है, सेटिस्फाइड रहेगा क्लाइंट उसका, तो डेमो मिलना हर एक ऐसी आइटम का तो मुश्किल होता है। राजकमल जी सर 1.5 लाख रुपये बजट है। राजकमल जी आपने मेरे को पहले क्या पूछा था? अच्छा 10-12-20 का है ना। हाँ तो सर 1.5 लाख के आसपास अगर आप जा रहे हो तो डेनन का 1600 ABR ले लो, और पॉल कॉडियो के TL 1600 बुक सॉरी 5.1 चैनल का पैकेज है, और दो स्पीकर आप सीलिंग के लिए लेना चाहो तो RC 60i ले सकते हो, या फिर सीलिंग आपकी नहीं, आपने नॉर्मली लेंटर जैसे है ऊपर तो वहाँ पर आप OWM3 भी लगा सकते हो। सर 1600H आपको पड़ता है 55,000 का, और अभी यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो उनसे डेनन का AVR अभी जो स्टॉक में आए हैं वो लेटेस्ट वर्जन के साथ आए हैं, मेड इन चाइना वाले नहीं आए इस बार, अब जो उनसे आए हैं वो वियतनाम से आए हैं, मेड इन वियतनाम है, और डेनन की पॉलिसी जो सी है वो भी थोड़ी सी चेंज हुई है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा इस चीज़ का तो कि पहले जो डेनन है या पॉक ऑडियो है ये ऑनलाइन परचेज पर वारंटी नहीं देता था, अभी भी नहीं देता है, बट यहाँ पर एक फंडा और आ गया है कि आपको सेम मॉडल के सेट बहुत से डीलर जो से हैं वो सस्ते प्राइस में भी दे रहे हैं, बट यहाँ पर चक्कर ये है कि वो जो उनसे सस्ता प्राइस आ रहा है ना वो डेनन के ऑथराइज्ड जो हमारे इंडिया के इंपोर्टर हैं उनसे नहीं आता है, वो इंपोर्ट का माल आता है जिस पे कि आपको वारंटी नहीं मिलती है। डेनन जो है वो वारंटी देता है अपनी सारी परचेज पर, बट जो हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं जैसे कि ProFX है, ProFX वाले उस पर वारंटी नहीं देते हैं आप, तो आप 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में और ना कुंडा करवा के बैठ जाना अपना। और अभी एक मेरे पीछे अभी मेरे भी कल ही बात हुई है मेरी किसी से, अभी एक लड़का है उसने पहले मुझसे भी रेट पूछा था, फिर दोबारा उसने किसी और से ले लिया था, सस्ता मिल रहा था, तो उसके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो चुकी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की भी सोची है, तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप अगर इसके ऊपर भी वीडियो आप बनाओगे तो और लोगों को पता लगेगा, तो उसको मैंने बुलाया है अपने पास में, अभी वो कल या परसों जब भी मेरे पास आता है तो उसकी क्या हुआ है उसके साथ में वो सारी डिटेल मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगा उसका। प्ले स्टेशन रूट 5 कैसे हो गुरु जी? अब आप सही हो सर जी, आप बताइए आप कैसे हैं? और ये प्ले स्टेशन रूट 5 जी आपके लिए जो CDs आपने मंगवाई थी मुझसे वो आ चुकी हैं, तो आप आकर उनको ले सकते हो। PS5 की ही आई हैं सारी, है तो मतलब टाइटल तो पहले वाले हैं बट वो PS5 के लिए दोबारा से उनको बनाया गया है 8K के हिसाब से, तो वो 5 हैं टोटल, तो आप आओगे जब भी आओगे आप ले जाना आकर।
नंबर ट्रिक जी गिव योर नंबर सर, इंस्टाग्राम से नंबर ले लीजिए प्लीज मेरा, यहाँ पर नंबर देना बड़ा दुखदाई हो सकता है मेरे लिए। शोभित जी जेमो S420 LCR स्पीकर कैसे हैं? सर जी अच्छे स्पीकर हैं, बढ़िया स्पीकर हैं, बहुत बढ़िया हैं। वैसे ये जो सा शोभित जी आप मॉडल अभी मुझे पूछ रहे हो मेरे को 450 जो सा, ये मॉडल जो सा ये बंद हो चुका है आना, बट हो सकता है किसी के पास स्टॉक में पड़ा हो। स्पीकर जो से हैं वो अच्छे हैं, सस्ते भी हैं काफ़ी ये वाले, और कंपेयर करोगे किसी अच्छी ब्रांड से या अच्छे किसी वो उस लायक तो नहीं मैं कहूँगा, बट वैसे जनरली अगर देखते हैं कि इस कीमत के अंदर तो ठीक है, फिर अच्छे स्पीकर हैं। मोहित राघव जी आहूजा के स्पीकर कैसे हैं? सर एक्चुअली आहूजा के जो स्पीकर्स हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं मेनली, PA सिस्टम जो से होते हैं जो उनसे हमारे ओपन में लगने हैं जैसे मंदिरों में लगे होते हैं या फिर DJ वगैरह के भी मेरे ख्याल से ये बनाते हैं इस तरीके के जो उनसे होते हैं उनके लिए होते हैं। जो हमारा काम है वो होम ऑडियो का है और आहूजा का उसके अंदर कोई स्थान नहीं है, माफ़ी चाहूँगा ये बोलने के लिए, बट ये सच है मेरे दोस्त। अजीत कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजीत जी कैसे हैं सर? सर आपने मेरा नहीं करवाया अभी तक, देख लो इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं बना के दिया आपने यार, गलत बात रमोंची खा रहे हो देख लो। अरपिंदर जी क्लिप्स सर देखो क्लिप्स के जो से स्पीकर है ना इन, ये थोड़े से पावर हंग्री स्पीकर होते हैं, इनको थोड़ी सी वॉटेज ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप 3700 ले रहे हो तो 3700 अच्छा है, चलाएगा इनको फर्स्ट क्लास तरीके से, बट अगर आप फ्रंट के लिए 2 चैनल पावर इसके अंदर और इंक्लूड कर लोगे ना तो आपके स्पीकर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, और डायरेक्टली चाहो तो तब भी चला सकते हो क्योंकि स्पीकर्स जो से क्लिप्स के हैं इसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी इनकी काफ़ी हाई होती है, तो अच्छे मतलब नॉर्मल एम पे भी अच्छी रिस्पांस दे सकते हैं ये, बट अगर आप पावर एम लगाते हो तो और ज़्यादा बढ़िया वाला काम हो जाएगा। DJ सेटअप है? नहीं सर जी DJ सेटअप नहीं है हमारा, घर का ऑडियो होता है हमारे पास में, और वो भी सिर्फ हाई एंड के अंदर में, लो एंड वाले नहीं होते। तो आगे बढ़ेंगे जी, सर टोटल बजट आपका 1,00,000 रुपये है और जिसमें आपको TV भी चाहिए है और आपको एटमॉस का सेटअप भी चाहिए है, तो यहाँ पर मैं आपसे बड़ी वाली माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि एटमॉस का सेटअप अगर आप लेते हैं सर तो 1,25,000 रुपये 1,20,000 के आसपास का तो वो सेटअप ही आता है, और जो TV है 55 इंच का आप लेना चाह रहे हो तो TV के बारे में मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके लिए आप कोई TV वाले चैनल जो हैं जो बताते हैं उनसे पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे झूठ बोल के गुमराह नहीं करना चाहता। इमरान जी आपके 50-60 सर स्पीकर्स लेने हैं, बहुत अच्छी बात है लीजिए बिल्कुल, पहले आप अपना AVR बता दीजिए मुझे, AVR कौन सा है आपका, उसी हिसाब से स्पीकर्स का चुनाव हम करेंगे। शोभित जी यहाँ ये 2000 की रेंज में मिल रहे हैं, सर पुराने होंगे ना 20,000 के तो जो उनसे आपको मिल रहे हैं, नहीं थोड़ी होंगे वो, बट यहाँ पर मैं शोभित जी आपको बताता हूँ एक चीज़ और, जो आपको मैंने स्पीकर्स दिए थे ना वो स्पीकर है छोटे बट उनकी जो क्वालिटी है ना, ये जो जेमो वाला आपने मॉडल मुझे बताया है वैसी क्वालिटी ये नहीं दे पाएगा जैसे वो छोटे छोटे से स्पीकर आपको दे दिए। मोहित भाई मोहित राघव जी बेस्ट होम थिएटर 132/50 की वीडियो कब आएगी? सर एक्चुअली मैं मोहित जी क्या है ना कि 30 और 50 के बीच बीच में जो उनसे होम थिएटर्स है ना वो ज़्यादा नहीं है, 2-3 मॉडल ही ऐसे ही आपको मिल सकते हैं, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो सी है वो उसी के ऊपर आएगी। अभी पहली जो सी वीडियो आनी है वो आनी है Top 5 बुकशेल्फ स्पीकर्स की, जिसमें मैंने 5 हाई एंड बुकशेल्फ जो से हैं उनको लिया है, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा मैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो जो सी है वो पेड है, मैं यहाँ आपको पहले ही बता रहा हूँ, बट वो जो मॉडल्स मैंने उसमें लिए हैं उनके अंदर अगर मैं कमी निकालना भी चाहूँ ना तो मैं वो कमी नहीं निकाल सकता,
वैसे वो पेड है वीडियो यार। विच पावर एम्प हरदीपिंदर जी, कोई भी पावर एम्प ले लो, टू चैनल का पावर एम्प चाहिए आपको इसके लिए, आपका बजट क्या है उस हिसाब से आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। बट अगर होम ऑडियो से रिलेटेड एम्पलीफायर ही लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टॉर्शन लेवल है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जो पीए के लिए आते हैं जैसे कि JBL वगैरह के भी हमारे आते हैं, क्राउन से भी आती है, वो है तो अच्छी पावर बट वो कमर्शियली बने हुए उनकी जो सी डिस्टॉर्शन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ होम ऑडियो से रिलेटेड पावर एम्पलीफायर ले रहे हो, जरूरी नहीं कि नया लेना, नहीं बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, तो आप पुराना चाहो तो पुराना भी ले सकते हो यार। सूर्य प्रकाश जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एनी प्रॉब्लम आई कनेक्ट माय डेन एंड 1600 विद सबवूफर ऑन टू सब ऑन ट्रेंड बुकशेल्फ। नहीं सर, ऐसा सूर्य जी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, बट जोन से आप स्पीकर्स लगा रहे हो अलग अलग कर कर, एक बार थोड़ा सा कोशिश ये करना। एक तो देखो, एक तो सबसे पहले उनकी इम्पीडेंस जो सी है वो सेम होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी अगर उनकी पावर हैंडलिंग है ना जो सी, वो भी अगर सबकी मैचिंग कर रही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मेन ध्यान आप यहाँ पर एक चीज़ देना कि जो सेंटर स्पीकर है उसकी सेंसिटिविटी जो सी है ना, वो बाकी के स्पीकर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बेटर है, नहीं तो एटलीस्ट उतनी की उतनी तो होनी चाहिए। मोहित जी, नहीं है होम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, साउंड क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं आता भाई इसमें। यार वीडियो को लाइक करते जाना, जिसको ठीक सा जवाब मिल रहा हो, और नहीं मिल रहा हो तो वो भी कर सकते हो, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। सर अगर आप STIB की तरफ जाते हो तो 50,000 के हिसाब से यामा का 3072 है वो ले सकते हो आप, या फिर वही ले सकते हो आप क्योंकि इस बजट में वही है। बट आप यहाँ पर यार 50,000 खर्च रहे हो तो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ फ्री का, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे थोड़े से और पैसे अगर डालते हो तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। 65,000 के नीचे नीचे में आपका पड़ेगा डेनन का AVR आएगा, पॉक ऑडियो के स्पीकर आएंगे, उस वाले सेट से जो यामा का है उससे बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। इवन आप कोई भी एच ये ले लेते हो, होम थिएटर इन बॉक्स लेते हो अगर एक ही डब्बे के अंदर, उन सभी से वो सिस्टम जो है वो ज़्यादा आएगा, बट पैसे थोड़े से आपको बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ। सुमित कुमार जी, हेलो अमित जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ अमित भाई, सॉरी सुमित भाई, कैसे आप बताइए आप कैसे हैं? नीलेश जी, हाय, मुझे स्टीरियो टैक विद ब्लूटूथ फॉर माई JBL स्टूडियो 280 लेना है 40 बजट में। सर जी डैक का यार मुझे अभी ऐसे तो ध्यान में तो मेरे भाई नहीं है कुछ भी, बट डैक विद ब्लूटूथ अगर आपको चाहिए है, या डैक और ब्लूटूथ का यार क्या आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हो आप? मतलब डैक हम देखो, मतलब माइंड मत करना इस चीज़ को, मैं जनरली एक बता रहा हूँ बस अपना ओपिनियन, कि डैक हम लगाते हैं किस लिए लगाते हैं, कि हम ऑडियो को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, और सेकेंडली डिजिटल टू एनालॉग तो करेंगे ही करेंगे, बट ब्लूटूथ जोन है वो बहुत अच्छा सोर्स नहीं है यार हमारे म्यूज़िक का। अगर आप डैक लगाना चाहते हो तो आप वहाँ पे ये ऑडियो सीडीज यूज़ करो, या स्ट्रीमिंग डिवाइसेज आती हैं उनको यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी 50,000-60,000 रुपये के, 25,000 से 40,000 के बीच में बजट के अंदर में डैक कौन सा अवेलेबल है ये मुझे अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं पता, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना ये वाला मैसेज ड्रॉप कर देना, वहाँ से मेरी टीम आपको जो भी ऑप्शन होंगे वो बता देगी। लता जी, क्या हाई एंड साउंड बार एग्जांपल सोनी सैमसंग JBL बेटर होगा? स्नेहलता जी आप कोई भी साउंड बार ले लो, दुनिया का जो सबसे अच्छा साउंड बार है वो भी आप ले लो, अगर आप उसी प्राइस का या उसी से काम का भी, इवन होम थिएटर अगर कोई भी आप लेते हो तो साउंड बार वो वाला इफेक्ट आपको कभी भी नहीं दे सकता जो सा एक होम थिएटर आपको इफेक्ट देता है। इस चीज़ का मैं काफ़ी लोग पूछते भी हैं और मैं सबको बताता हूँ, कुछ की समझ में आता है कुछ की में नहीं आता। अभी मैंने अपनी लाइफ के अंदर में जो सबसे अच्छी साउंड बार अगर मैं बात करूँ तो नाकामिची की मैंने एक साउंड बार अभी पीछे रिव्यू भी किया था मैंने उसका, वो दो पीस मुझे मिले थे, वो बाहर से आए थे इंडिया के अंदर तो लॉन्च ही नहीं हुए वो, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 9.2.4 चैनल, यानी 13 चैनल की वो साउंड बार थी।
और उसका भी इफेक्ट जो था ना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ साउंड बार की बात करते हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस, बट अगर उसको मैं ले आता हूँ एक होम थिएटर के बारे में, कि होम थिएटर से उसको मैं कंपेयर करता हूँ, अभी वो 13 चैनल का साउंड बार है वो, अगर उसको मैं 7.2 से भी कंपेयर करता हूँ ना, तो जो 7.2 मुझे इफेक्ट दे देता है ना, वो वाली साउंड बार भी नहीं दे पाती थी। अगर सिर्फ साउंड बार की बात करते हैं तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस थी उसकी। नंबर ट्रिक जी, एड्रेस सर इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, ऐसी चीज़ें वहाँ पर पूछिया करें, यहाँ पर ओपनली ऐसे सब कुछ बताना ठीक नहीं रहता, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, मेरा एड्रेस मिल जाएगा, मेरा जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। सूर्य जी, सर सजेस्ट बेस्ट सेंटर स्पीकर फॉर डेनन 1600। सर जी, डेनन 1600 के लिए आप बजट भी बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता वैसे, बट यहाँ पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉप ऑडियो का सिग्नेचर 30-35 ले सकते हैं, या 30 ले सकते हैं, और इसके अलावा आप मॉनिटर ऑडियो है वो ले सकते हैं, और डेफिनेटिव है वो ले सकते हो, इन सभी के सेंटर बहुत अच्छे हैं, और क्लिप्स का भी आप चाहो तो ले सकते हो। एक्चुअली सेंटर को चूज़ करते हुए ना हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसमें से कि सबसे पहले हमारा बजट आ जाता है, सेकंड आता है कि इम्पीडेंस का, कि आपका जो सिस्टम है वो कितना ओम्स को सपोर्ट करता है, तो आपका 1600 है वो 4-16 करता है, इसलिए इस स्टेप को छोड़ दो। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बाकी के स्पीकर की क्या सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हम सेंटर स्पीकर का चुनाव करते हैं। आई हैव डेनन AVR 1317 विद जेमो 426 ऐसे, ओके आई नीड एक्टिव सब ऊपर। सर एक्टिव सब ऊपर किस बजट के अंदर चाहिए, रूम साइज क्या है आपका, प्लीज आप बता दीजिएंगे सुनील जी तो अच्छा रहेगा। 6.5 इंचेस बेस है, बेस आता है सर कितने का होगा, 6.5 इंचेस बेस। आशीष जी समझा नहीं मैं मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए मुझे जी, बुकशेल्फ में और होम थिएटर में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस क्या है। सर डिफरेंस कुछ नहीं है, होम थिएटर सॉरी जो बुक शेल्फ है वो होम थिएटर का ही एक पार्ट है, जो होम थिएटर के अंदर हम स्पीकर्स लगाते हैं तो फ्रंट के अंदर जैसे कि हम टावर स्पीकर्स लगा लेते हैं, सराउंड के अंदर हम बाइपोल लगाते हैं, डाइपोल लगा लेते हैं, उसी हिसाब से एक बुक शेल्फ स्पीकर्स होते हैं जिनको आप स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हो, एज अ सराउंड भी यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्रंट होम थिएटर में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, मतलब बेसिकली एक पार्ट है ये भी होम थिएटर का, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों, कि आप जो सेटअप कर रहे हो वो किस हिसाब से कर रहे हो बस इसी पे डिपेंड करता है वो। बुकशेल्फ कुछ नहीं है, वो स्पीकर है सिर्फ एक, अभी लास्ट वीडियो मैंने जो उनसे डाली है वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बुकशेल्फ आखिरकार क्या है। भाई डॉल्बी एटमॉस के लिए सीलिंग स्पीकर लगाने में दिक्कत आ रही है, कैसे फिक्स करें, कैसे फिक्स करना है, 1,50,000 टीवी एंड 50K परफॉर्मेंस सेटअप बताएं प्लीज भाई, कैसे होगा। आइए हेम हाकिम भाई, मैं अच्छा हूँ मगर मेरे को समझ में नहीं आई आपने क्या पूछा है मुझसे, दोबारा पढ़ के देखते हैं। भाई डॉल्बी एटमॉस के लिए सीलिंग स्पीकर्स लगाने में दिक्कत आ रही है, कैसे फिक्स करें करना है। सर क्या दिक्कत आ रही है प्लीज़ पहले ये बताइए आप, और ये आगे का मुझे समझ नहीं आया कि 1,50,000 के टीवी एंड 50K, अच्छा कि 1,00,000 रुपये में 50,000 का टीवी और 50,000 का 5.1 आप लेना चाहते हो, तो भैया 5.1 जो सा है यार वो भी आपको 60 और 65 के बीच बीच में पड़ेगा, अगर अच्छा सेट लेने आपने, अगर वैसे नॉर्मली लेने हैं तो आप वो यामा के जो एक ही साथ आ रहे हैं जो पैकेज आ रहे हैं जैसे कि वो 1840 वगैरह, तो आप वो भी ले सकते हो, बट एक्चुअल अच्छी चीज़ चाहिए तो वो थोड़ा सा आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। मुरली कृष्णा जी, हाय अमित जी, हेलो सर कैसे हैं, आई हैव डन 2700 AVR क्यू एकॉस्टिक ट्रीटमेंट टावर एंड 360 सेंटर है, सजेस्ट सब ऊपर और गुड म्यूजिक लिसनिंग सी एंड सब ऊपर। सर आप तो अगर यार क्यू एकॉस्टिक का ही लेते हो तो वो भी अच्छा है, पूरा सेट आपका एक जैसा हो जाएगा, बट अगर वहाँ वो नहीं लेना चाहते तो आप कॉक ऑडियो है वो ले सकते हो, इलेक है वो भी ले सकते हो, और इस टाइप से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो
क्योंकि अभी तो एकदम से ध्यान में भी नहीं आएगी। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर देना अपने बजट के साथ में, तो रूम साइज़ के साथ में मैं वहाँ पर आपको जो बेटर चीज़ें होंगी आपके बजट के हिसाब से वो वहाँ पर आपको मैं गाइड कर दूंगा। शिशुपाल जी, सर मैं टाटा स्काई HD DTH के साथ AVR लगाना चाहता हूँ, बेस्ट कौन सा होगा, 7.1 या 7? सर शिशुपाल जी, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमने कितने चैनल लगाने हैं, चाहे वो आप कोई भी चीज़ उसमें, कोई भी सोर्स आप उसमें लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिपेंड जो है वो करता है, देखो हमारे रूम का साइज क्या है, सेकेंडली हमारा बजट क्या है, तो आप ये दो चीज़ें मुझे पहले बता दो। अमित जी, आपके पास कोई सब ऊपर अवेलेबल है क्या, कौन सा मॉडल? कृष्णा जी, अगर यूज्ड में आप पूछ रहे हैं तो वार्फाडेल का 10 इंचीज एक है वो मिल जाएगा, जेमो का एक 12 इंचीज है वो मिल जाएगा आपको यूज्ड के अंदर, बाकी नया लेना चाह रहे हो तो नए में से तो आप जो कहोगे वो मिल जाएगा। सूर्य जी, माई बजट सेंटर स्पीकर 25,000। सर 25,000 रुपये के अंदर सेंटर स्पीकर लेना है तो कॉल ऑडियो का टी सॉरी S60 ले लो, बहुत अच्छा सा वो सेंटर स्पीकर है इस प्राइस के अंदर। अमित जी, यार अब एक्चुअली ये ना आवाज आ रही है फैन की वजह से, क्योंकि ये जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ ना, ये यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ, तो ये फैन की आवाज है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। अभी एक्चुअली ऑफिस नहीं जाना शुरू हुआ मेरा प्रॉपरली, जब ऑफिस जाना शुरू हो जाएगा फिर ये थोड़ी जो वॉइस क्वालिटी में आ रही है दिक्कत आ रही है ये क्लियर हो जाएगी वहाँ पर आकर, तो अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्लीज 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 मैनेज इट। और लाइक 15 हुए हैं अभी तक, गंदी बात कर रहे हो आप सभी मिलकर। और भाई कोई भी नया बंदा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और वो कर देना साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मेरा माइक ना चल रहा हो ये भी हो सकता है। एक बार मैं माइक पे ना ऐसे टप 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 करूंगा तो आप बताना कि वो टप टप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे पता लग जाएगा मुझे कि माइक चल रहा है कि नहीं। ओके चलो जी, बताओ अभी। चल रहा है सर, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सुमन जी। नहीं भाई, एक बंदा कह रहा है नहीं, एक बंदा कह रहा है हाँ, ये क्या सिंगरा मुंजी खा रहे हो भाई, ऐसे करने में आवाज नहीं आ रही। यार एक बंदा कह रहा है चल रहा है, एक बंदा कह रहा है नहीं चल रहा है। सुमित कुमार जी, क्लियर साउंड है, आप कह रहे हो क्लियर है। कौन रमोजी खा रहा है आप में से? देखो ये वाले भैया ने ये कहा है माइक ओके है सर, मतलब चल रहा है माइक, चलो एटलीस्ट ये तो पता लग गया। कैन हियर यू, ओके ओके ओके, सबको समंदर क्या आवाज आ रहा है, क्या आ रही है सर? कोई पागल बना रहा है, पागल क्यों बनाएगा भाई मेरे को, आवाज ओके। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसी के ऊपर बात नहीं करते रहेंगे हम, आप अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, बाकी दूर जिसके कारण यहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर। बाकी थैंक यू यार, जिसने जिसने भी बताया है, एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी बातों का जवाब देता है यार, थैंक यू। मुझे तो रोना हो गया, इतना इमोशनल हो गया हूँ मैं आपके प्यार के अंदर। भाई और बहनों, अब धंधे पे लग जाते, सॉरी काम पे लग जाती है। सुनील जी कह रहे हैं आई हैव डेनन AVR 17-13 ओके विद जेमो, ये वाला स्पीकर वाइज है सिस्टम एंड आई नीड एक्टिव सब ओवर कैन यू जस्ट रियली डाउन फायरिंग, रूम साइज 12x12 एंड नीड सब ओवर कॉस्ट अराउंड 40-45,000। सर देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक राय देना चाहूँगा जो कि बिल्कुल मुफ्त मिलती है,
मानो ना मानो आपकी मर्जी है, 12 बाय 12 के कमरे के अंदर में 12 इंच के सबवूफर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर एक अच्छा 8 इंच का सबवूफर भी लगा देते हो ना अगर, तो 12 बाय 12 का कमरा पूरा प्रॉपर हिला कर रख देगा वो आपका। ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो 8 8 इंच के 2 सबवूफर लगा दो, ऐसी आवाज़ हो जाएगी आपके कमरे के अंदर कि आप याद करोगे मेरे को कि किसी ने सलाह दी थी किसी फालतू के। शिशुपाल जी, सर टाटा स्काई HD बॉक्स में कितना चैनल आउटपुट देता है, 5.1 या 7.1? सर 7.1 की आउटपुट किसी भी नहीं मिलती, जितनी भी हमारे होते हैं ये सब 5.1 की ही आउटपुट देते हैं। जो हमारे AVRs होते हैं ये उसको 7.1 में कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, मतलब कि जो एक्चुअल इफेक्ट हमारा होता है वो हमेशा 5.1 का ही आता है, बस एटमॉस और DTS:X को छोड़कर जो बाकी के फॉर्मेट है वो 5 चैनल में आते हैं। मोहित जी, मोहित जी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स का मतलब क्या होता है? ये मोहित जी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, फ्रिक्वेंसी जितनी डाउन जाती है, यानी कि 20 हर्ट्स जो है वो लो है, यानी कि वो बेस है एक तरीके से, अगर लोकली हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो बेस की एक जो क्या बोलेंगे इसको यार, लाउडनेस कह सकते हो आपकी बेस का जो सा फ्रिक्वेंसी है जो बेस की वो 20 हर्ट्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और जो 20 किलो हर्ट्स होता है वो हाईस पे आ जाता है, यानी कि अगर आप एक एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन देख रहे हो जैसा आपने यहाँ पूछा है, तो वो जो एम्पलीफायर आपको आउटपुट देगा वो 20 हर्ट्स तक डाउन जाने की हिम्मत रखता है, एंड 30 हर्ट्ज, कितना बोला आपने, 20 किलो हर्ट्स तक या 20,000 हर्ट्स तक अप की आउटपुट देने में सक्षम है, यानी कि जो झनकार होती है ना हमारी, छन छना छन 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 तारा, वो वाली आवाज़। सुनील जी थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी, ठीक है, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और कृपया करके जिन्होंने वो सब्सक्राइब कर रखा है वो अपनी बेल आइकन को चेक कर लें कि वो अपने उसमें दबाया हुआ है या नहीं दबाया हुआ, और ऑल को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जी, इमरान जी का कमेंट है, इसमें वो पूछ रहे हैं मेरा आंसर दे दो भाई प्लीज़, डेनन 1600 के साथ 60,000 तक फुल पैकेज लेना है, आप बताएं कौन सा बेस्ट रहेगा। 1600 के साथ में सर फुल पैकेज अगर आपको चाहिए 60,000 के अंदर, तो यहाँ पर आप डेनन का 1600 ले, सॉरी वो पोक ऑडियो का TL1600 ले सकते हो जो कि 5.1 चैनल है, उसके साथ में 2 स्पीकर और ऐड कर सकते हो, और या फिर आप इलेक का ले सकते हो Cinema 5 और उसके साथ में 2 स्पीकर ऐड कर सकते हो, तो वो आपका 60 के आसपास में काम हो जाएगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर मेरी टीम से बात कीजिए। तो जी इमरान, मेरे ये तो हो गया ना, इलेक Cinema 10 से अच्छा नहीं है क्या जेमो? बिल्कुल नहीं है शोभी जी, बिल्कुल भी, आप डेमो लेके देखो आपको खुद पता लग जाएगा जो क्वालिटी यार आपके स्पीकर्स दे रहे हैं ना, जो ये कौन से दिए थे मैंने आपको Cinema 10 है जो से, वो साइज इतना सा है मगर उसकी आवाज़ जो सी है ना वो आपको खुद, आप तो यूज़ कर रहे हो आपको पता ही होगा कि क्या आवाज़ निकालता है, मतलब कोई कह नहीं सकता कि इतने से स्पीकर में से वो आवाज़ आ रही है जो उसके अंदर आ रही होती है। MK, मुझे होम थिएटर सेटअप बनाना है, कितना खर्चा आएगा? सर खर्चा देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आएगा, इसका कोई एंड नहीं है, आप चाहे 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। अभी आपने अगर सेटअप लगाना है आप मुझे अपना बजट बताओगे कि मेरा ये बजट है, उसके अंदर जो सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ हो सकती होगी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और साथ में बजट के साथ साथ मुझे आपका रूम का साइज ज़रूर बताओ कि आपके लिए अच्छी चीज़ का मैं चुनाव कर सकूँ इसके लिए। बाकी नॉर्मली यही 2 4 चीज़ें ही हैं जो उनसे घूम फिर कर आ जाती हैं, क्योंकि इसी बजट के अंदर और ज़्यादा चीज़ें तो अवेलेबल होती नहीं है। आकाश जी, सर रूम का साइज 13-17 है, बजट 1.5 लाख रुपये है, बुक शेल्फ और एम्पलीफायर बताओ प्लीज़। अक्षय आकाश जी, स्टीरियो का सेटअप अगर आप लगाना चाह रहे हो तो बुक शेल्फ स्पीकर्स जो से हैं उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखना, उसके अंदर मैंने हाई एंड 5 ऐसे बुक शेल्फ को कलेक्ट किया है जो
सच में बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर मैं चाहूँ भी ना तब भी मैं उनकी कोई कमी नहीं निकाल पाया उसके अंदर। तो आप वो वाली वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, और उसमें से कौन सा आपको ठीक लगा है वो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसके हिसाब का एम्पलीफायर सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ ये वाला एम्पलीफायर ले लो और नज़ारे लो। सुनील कुमार जी नमस्ते, नमस्कार सुनील भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है आज। सुनील कुमार जी, अमित भाई, मैंने एक रूम बनाया है 11x22 का, ओके, उसमें एटमोस साउंड के लिए कितने चैनल का स्पीकर सेटअप लगाना चाहिए? सुमित जी, प्लीज़ बजट के हिसाब से चलेंगे, बजट भी आप साथ बताओ तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, आपका जो रूम है वो जो 22 फीट आप बता रहे हो, ये सिटिंग की है या सिटिंग आपकी जो सी है वो बीच में आती है? मतलब कि 22 फुट अगर आपके पास टोटल जगह है तो आपकी सिटिंग कहाँ पर है, कितने फीट पर है, बिल्कुल एंड पर है या नहीं? इमरान जी, मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप में अभी। व्हाट्सएप पर अभी किस लिए करना था जी सर? व्हाट्सएप का नंबर कहाँ से आया आपके पास, पहले मुझे ये बताओ। MKG, ओके थैंक्स, योर वेलकम मैन। 6.5 इंच सब ऊपर AVR सपोर्ट करता है, प्राइस के क्या होगा? सर आशीष जी, सब वूफर आप कोई भी अटैच करो, 6.5 इंचेस करो, 8 इंच करो, 10 करो, 12 करो, 15 करो, 18 करो, जो आपका दिल करता है ना आप वो कनेक्ट कर सकते हो AVR के ऊपर। मगर यहाँ पर शर्त सिर्फ एक है कि आपका जो सब वूफर है वो एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए बस। सुमित जी, एंड पर है। अगर सर एंड पर है तो आप देखो फ्रंट के अंदर तो टावर स्पीकर्स लगा लो, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी 22 फीट है, तो टावर स्पीकर्स जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और आपके रूम की जो सी चौड़ाई है वो काफ़ी कम है लंबाई के हिसाब से, तो आप वहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 1 और 5, तो 5 स्पीकर तो वही ट्रेडिशनली हमारे पास जो लगते हैं, और 2 ही स्पीकर आप एडवांस के लिए ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और सेटिंग में बिल्कुल पीछे है, तो 2 स्पीकर वो हो गए, और बाकी मतलब 7 स्पीकर आपको टोटल चाहिए होंगे यहाँ पर। सर अच्छा, स्पीकर में कितना dB तक होना चाहिए? सर क्या चीज़ dB तक होनी चाहिए? dB कई बातों में आ जाता है, उसकी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो तो सेंसिटिविटी देखो जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा dB की होगी उतना ज़्यादा स्पीकर लाउड होएगा। क्वालिटी के लिए इसमें भी सेम एटमॉस वाला ही, ओ सॉरी ओम्स वाला ही चक्कर होता है, जैसे कि ओम्स के साथ क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज़ जो हमारी इम्पिडेंस, सॉरी ये क्या होती है, क्या बोली जा रहा हूँ मैं, जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का भी कोई क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, बस जितनी सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा होगी उतने ही स्पीकर आपके वो लाउड होंगे। ओके सर, मैसेज किया आपने व्हाट्सएप पर, ठीक है सर, अभी तो मेरा फ़ोन ही लगा हुआ है वहाँ पर तो मैं मैसेज आपका देख नहीं सकता, और अभी मेरा बाद में देखूंगा मैं। तो शुभम जी सर, जन जन जैसा साउंड क्वालिटी किस AVR का ज़्यादा होता है, डेनन, यामा, पाइनियर? सर छन छन वाली क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो आप मरांड्स का ले लो, मरांड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग होती है। मैसेज किया व्हाट्सएप ने, ओके सर, ऋषि जी, एंड मेरे पास जेनन 550 वाला AVR है, सो बुकशेल्फ स्पीकर्स का 5.1 सिस्टम सजेस्ट करें, 70,000 रुपये। 70,000 के अंदर सर फ्रंट के अंदर आप पोक ऑडियो के S50 लगा 15 लगा लो, सेंटर स्पीकर आप लगाओ उसमें S30, एंड सराउंड स्पीकर्स के साथ में आप लगाओ पोक ऑडियो का सिग्नेचर S10, तो आई थिंक आपके 70 के आसपास बढ़ने ही, मगर आपको सब ऊपर भी चाहिए तो सब ऊपर आप ST-S10 अगर लगाते हो तो थोड़ा सा यार ऊपर चला जाएगा आपका ये जो बजट है। बाकी एक्चुअल डिटेल के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजना, वहाँ पर मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और आपने जो भी पूछना होगा वहाँ पर आप मैसेज के थ्रू पहुँच सकते हो। और यहाँ पर यार, हाँ याद आ गया, इंस्टाग्राम से, 1 मिनट, भी हफ्ते में एक दिन के लिए, 1 मिनट यार, टांगे सीधी कर लूँ पहले अपनी। हाँ जी, तो इंस्टा, क्या यार आज पता नहीं क्या खा लिया मैंने, उल्टी सीधी बातें बोली जा रही, क्या मैंने कहा, हफ्ते हफ्ते के अंदर, हफ्ते में एक दिन जो उनसे है ना,
तो हफ्ते के अंदर में एक दिन जो है वो हम अभी डिसाइड कर लेंगे, जैसा भी आप कहोगे, जो ज़्यादा मेजोरिटी में होगा वो दिन ले लेंगे। तो एक लाइव जैसे कि सैटरडे को हमारी यूट्यूब पर आती है, तो एक लाइव जो सी है वो हम हफ्ते में एक इंस्टाग्राम पर किया करेंगे। ऐसा क्यों करना है उसका रीज़न मैं बताता हूँ पहले तो आपको। देखो मेन जो सा रीज़न है उसका यह है कि यहाँ पर आप मुझे मैसेज करते हो, मैं उसका जवाब देता हूँ, बट इंस्टाग्राम के अंदर में हम कॉल भी ले सकते हैं। तो आप में से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा होगा जो भी, तो आप लोगों में से छांट छांट कर हम कॉल को लिया करेंगे, जिससे कि आप सामने से बोल कर कोई भी जो आपका सवाल है वो पूछ सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो कमेंट्स में समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे में कॉल हम वहाँ से कनेक्ट किया करेंगे इंस्टाग्राम पर। तो आपने इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी कर लेना फॉलो, ऑडियो गुरुजी 85 नाम से है वो। और किस दिन होना चाहिए तो ये भी बता दो, तो जो ज़्यादा मेजोरिटी में होगा दिन उसी को हम ले लेंगे। नितिन कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नितिन जी। जीतू चंद हेलो सर, हेलो जीतू भाई सर, आपके स्पीकर पे वे कितने लेस करते हैं आप, स्पीकर्स पे कितना लेस करते हैं आप, और यूज़ में भी मिल जाएगा क्या अपने को? सर जी यूज़ में मिल जाता है, मगर एटमॉस का जो सा सेटअप है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और कितना लेस करते हैं ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का ले रहे हो आप और किस बजट का ले रहे हो। हाईएस्ट बजट में थोड़ा लेस ज़्यादा मिल जाता है, जो छोटे बजट छोटे सेट होते हैं उनके अंदर थोड़ा मार्जिन जो है वो कम होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कम लेस मिलेगा। इमरान जी सर मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। ओके 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 यार मैं तो भाई सब थक जाता हूँ, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं इतनी मेहनत। जल्दी से यार ऑफिस जाना शुरू करें, आराम से बैठ के काम किया करेंगे वहां पर। तो जी अगले है व्हाट्सएप पे किया, ठीक जी। मैंने 2 लाख के अंडर 5.1 5.1.4 चैनल ऑन पे था, रूम साइज 18 12। भैया सबसे पहले तो 2 लाख रुपए के अंदर अगर आप 9 चैनल का एवीआर ले रहे हो तो 1.25 लाख, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास तो आपका एवीआर एवीआर पे खर्च हो जाता है, बाकी बचता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के अंदर आप उस लेवल के स्पीकर्स आपको नहीं मिल सकते हैं। तो इससे अच्छा आपके रूम साइज के हिसाब से भी बात करते हैं, यहाँ पर आप अगर 7.2 चैनल का एवीआर लगाते हो उसके साथ में स्पीकर्स अच्छे लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1600 Hz यूज है? नहीं सर, 1600 अभी यूज नहीं है और ना ही उम्मीद है अभी 1 1.5 साल तक मिलने की। सुमित कुमार गुड सर, थैंक यू सर, सुमित कुमार बहुत अच्छा रहेगा जी सर, थैंक यू। और बाकी के भी बता दो, कोई बाकी होने के अपने में दही जमा लिया है कि कौन सा दिन हम करें। सर जाने जी रियल क्लिप्स स्पीकर स्पीकर क्वालिटी में बढ़ता है सर, जेमो और क्लिप्स के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 18% का लगा के चलो, JBL के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, बट मैं JBL डायरेक्टली सेल तो नहीं करता, बट अगर किसी को चाहिए तो मिल सकता है। लेस जोन से है वो एक बार मुझे भी पता करना पड़ेगा, बट बाकी की जोन से हैं ये क्लिप्स वगैरह से थोड़ा ज़्यादा ही होगा उसमें। सर जेमो जी तो है आशीष जी, मैंने पहले आपको जवाब दे चुका हूँ इस कमेंट का कि आप कोई भी सब ऊपर लगा सकते हो, किसी भी साइज का हो, सिर्फ एक्टिव होना चाहिए। अंजनी सिंह जी सर मेरा आंसर नहीं दिया अभी सर जी, अंजनी जी शेयर हो सकता है आगे बढ़ गया हो वो, मेरे को ना दिखाई दिया हो तो प्लीज़ आप दोबारा भेज देना। शुभाल जी सर मरांच का प्राइस बहुत है, छंद का साउंड क्वालिटी मेवीआर में बताया, छन छन ज़्यादा अगर चाहिए है तो सर जी आप डेनन भी ले सकते हो और पाइनियर भी ले सकते हो, यामा के अंदर कम मिलती है थोड़ी। आशीष जी प्राइस क्या होगा, किस चीज़ का प्राइस यार मेरे को आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा। आशीष जी प्राइस तो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा एवीआर ले रहे हो, कितने चैनल का एवीआर ले रहे हो, क्या फीचर्स चाहिए आपको, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली 25,000 रुपये से 5.1 स्टार्ट हो जाता है। सूर्य जी मिल जाएगा, यूज में भी मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर चले जाइए, वहां पर मैंने डाल रखे होते हैं तो वहां पर आप देख सकते हो। पूरन चंद्र जी 1600 न्यू प्राइस, 1600 सर 55,000 का पड़ेगा आपको नया वाला मॉडल, मतलब
अपग्रेडेड मॉडल कौन सा है, एकूस्टिक पैनल एंड डेकोरेशन सर्विस भी देते हो आप? स्नेहलता जी बिल्कुल देते हैं, ऑल ओवर थिएटर रूम तैयार करते हैं हम, इंडिया में किसी भी कोने पर आप करवा सकते हो। ओके, तो हरपिंदर जी, सर फॉर होम थिएटर एम्पलीफायर नीड पावर एंड होम थिएटर एम्पलीफायर नीड पावर एंड सर डिपेंड करता है ना आपके स्पीकर्स कैसे हैं, कितने हैवी स्पीकर्स आप लगा रहे हो, तो अगर उस कंडीशन में हम चलते हैं अगर, तो वहाँ पर हमें पावर एम्प की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी जो पर्सनली मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ वो 9.2 चैनल ए वी आर है, और उसकी जो वाटेज है वो हालांकि काफ़ी अच्छी है, 195 वाट पर चैनल देता है वो मेरा ए वी आर। बट जो मैंने वहाँ टावर स्पीकर्स लगा रखे हैं वो मेरे हैं तकरीबन 700 वाट के आसपास के, तो उस कंडीशन में मैंने वहाँ पर एक अलग से सिर्फ फ्रंट चैनल को चलाने के लिए एक अलग से एम्पलीफायर लगाया हुआ है कार्वर का, जो कि 450 वाट्स मेरे को देता है पर चैनल, और 4 ओम्स के अंदर वो देता है मुझे 650 750 वाट। तो इस वजह से मैंने मेरे स्पीकर्स जो उनसे काफ़ी हैवी हैं तो मैंने वहाँ पर पावर को अटैच किया हुआ है। सुमित कुमारी सर, डेनन 2700 प्राइस कितना है? सर जी इसका प्राइस अभी मेरे को एक्चुअल ध्यान में नहीं है मेरे, बट तकरीबन तकरीबन आपको 70 के आसपास का लगाकर चलना पड़ेगा। विष्णु जी, सर बेस्ट एक्टिव सब ऊपर अंडर 60K। सर 60K के अंदर में एक तो वेलोडाइन का आता है 50,000 रुपीज़ का, मॉडल मुझे याद नहीं है माफ़ी चाहूँगा, और इसके अंदर ऑप्शंस हैं काफ़ी। अभी एकदम से लाइव के अंदर तो मेरे को देखो याद नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखना मेरे लिए मुश्किल ही है, तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, तो मेरी टीम आपको जो भी अवेलेबल होंगे इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पर गाइड कर देंगे, तो आप उसे चाहे कहीं से लेना चाहे कहीं से ले सकते हैं, हमसे लेना चाहे हमसे भी ले सकते हैं। शिशुपाल जी थैंक्स सर। ओके थैंक यू सर। शिशुपाल जी वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, शेयर नहीं करी तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नहीं दबाइए तो बेल आइकन भी दबा दो। हाय अमित जी, मुझे स्टीरियो एम्पलीफायर लेना है बजट 50,000 तक। नीलेश जी, नया लेना चाहते हो या यूज लेना चाहते हो? अभी यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ बार बार, आप में से बहुत लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्यों पूछता हूँ मैं, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर आप एक 50,000 रुपये का नया एम्पलीफायर खरीद रहे हो और उसके बदले अगर आप 50,000 का एक पुराना वाला एम्पलीफायर खरीद रहे हो, तो इसमें फ़र्क क्या आता है कि जो नया एम्पलीफायर है वो 50,000 का बना है उसमें 50,000 वाली क्वालिटी है, बट अगर आप 50,000 का पुराना एम्पलीफायर ले रहे हो तो नेचुरल है कि उसकी जो नई की कॉस्ट होगी वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास की होगी। तो 1-1.5 लाख रुपए में जो कंपनी ने आपको क्वालिटी बनाकर दी थी वो चीज़ आपको 50,000 में मिल रही है, मतलब समझ में आया या नहीं आया आपको मैं नहीं कह सकता, बाकी मेरी भावनाओं को समझ लो बस। मैं डेनन AV6 8100H यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है सर। इसके साथ मैं KF-Q सेंटर स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, इस सेंटर स्पीकर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसे पावरफुल सेंटर स्पीकर मेरे को सजेस्ट करें। सर सेंटर स्पीकर तो ये भी बहुत अच्छा सेंटर है, ये भी बुरा नहीं है, आ जा, ये भी बुरा नहीं है। क्या क्या करना है अभी तो है टाइम? 11 बजे। हाँ हाँ तो मैं सेंटर की बात आप कर रहे थे ना, सेंटर तो वैसे ये भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सही, सेटिंग वगैरह चेक करिए आप सही से नहीं कर रखे होगी मेरे हिसाब से आपने, बाकी इससे अच्छा सेंटर चाहिए तो यार मैं बार बार वही बोलता रहूँगा ये बात को कि इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, यहाँ एक्चुअली ना सारी चीज़ें यहाँ नहीं होती है, मेरा दिमाग वैसे भी ऊपर से देख रहे हो ना खाली है, तो चीज़ें निकल जाती हैं यहाँ से, बात बाल बड़े होंगे तो वो अंदर रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, वहाँ पर आपको बेस्ट आंसर मिल जाएगा करेगा इस टाइप की चीज़ों का, जो मेरे को याद होता है वो मैं यहाँ ही बता देता हूँ आपको। सुमित जी थैंक्स फॉर गिविंग मी आंसर, यू आर वेलकम सर। अभी 36 व्यूअर थे अब तो 27 आ गए, कल ही मार जाते हैं सारे।
सर डेनन 750 और 650 सर, ये दोनों जो उनसे मॉडल हैं ये हमारे पास में नहीं मिलते हैं, ये एक्चुअल में इंडिया के लिए नहीं है, ये बाहर के मॉडल हैं जो कि सस्ती कंट्रीज के लिए बनाए गए हैं, तो इनके जो उनसे कॉम्पोनेंट्स हैं इसके अंदर उनकी जो क्वालिटी है वो कम है वहाँ पर, तो ये आपको सिर्फ इम्पोर्टर्स पर मिलेंगे या जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे, नॉर्मल शोरूम में या डीलर जो भी होगा वो आपको ये नहीं देगा। सर सेटअप के लिए चार्जेस होते हैं अलग, आप सेटअप हमें कहोगे तो हम भी कर देंगे आपको, और अगर आप वैसे चाहते हो किसी को बुलाकर तो आप उससे भी कर सकते हो, हमारी एक सर्विस होती है उससे आप वीडियो कॉल के थ्रू हम आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ स्पीकर चाहिए, ये सेटिंग ऐसे होगी, ये सेटिंग ऐसे होगी, तो उसका छोटा सा चार्ज होता है वो आप पे कर ऐसे भी करवा सकते हो, अगर आप दिल्ली में हो तो फिजिकली हम खुद भी आकर वहाँ पर आपका इंस्टॉल कर सकते हैं। अनमोल अनमोल जी कैसे हो? हेलो अनमोल जी, बहुत अच्छा सर, आप बताइए आप कैसे हैं। मोनू साहब बर्बाद है, एटमॉस सीलिंग स्पीकर चीपेस्ट रेट में कौन सा है? अच्छा सर, चीपेस्ट रेट के अंदर पॉल कॉडियो का ही है सबसे सस्ता वाला, जिसका मॉडल नंबर है RC60i, तो ये काफ़ी सस्ता है, 15,000 या 15,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। सर जी पी सजेस्ट 5.1.2 विद AVR होम थिएटर। अनमोल जी मिनिमम जो है बजट वो लगेगा आपका इसमें 1.25 लाख रुपए, और सेटअप आपको मिल जाएगा इसी कॉन्फ़िगरेशन का। आप ये क्या चार्ज है? मैं कानपुर सर, कानपुर में अगर आकर हमें इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके चार्जेज जो है वो 10,000 रुपीज़ रहेंगे, और बस यही है, मतलब यही रहेंगे। इमरान सर, सेकंड हैंड में भी इवन आपको इस बजट के अंदर में टावर स्पीकर और एम्पलीफायर देना मुश्किल है, या फिर बिल्कुल थके वाला जो मॉडल है वही दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ टावर स्पीकर लगाना चाहते हो तो फिर आपका बन सकता है 5.1 चैनल डेनन का AVR मिल जाएगा, और जामो के स्पीकर मिल जाएंगे आपको टावर स्पीकर, तो दोनों जो उनसे मिलाकर आपको 30,000 के पड़ेंगे। अनमोल जी चलेगा, ठीक है सर जी, तो डेनन का 1600 आप यहाँ लगा सकते हो, साथ में पॉल कॉडियो TL 1600 लगा सकते हो, सीलिंग पर RC60i लगा सकते हो, या फिर OWM3 लगा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, हमारी टीम से बात करें, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उनका पोल्क ऑडियो 50 टावर्स का प्राइस क्या है? और मोनू जी एग्जैक्ट प्राइस नहीं मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता, और मुझे याद भी नहीं है, 50,000 के आसपास आप लगा कर अच्छी चीज़। मैं महाराष्ट्र रहता हूँ। ओके ओके जी, महाराष्ट्र रहते हैं यहाँ। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी अवेलेबल है हमारी, और इंस्टॉलेशन सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप अगर करवाना चाहोगे इंस्टॉलेशन तो हम महाराष्ट्र भी आकर कर सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, और इंस्टॉलेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे सर, आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, इस रिक्वेस्ट वाली बात नहीं भैया, काम है हमारा ये, आप बुलाओ हम आएंगे, दो पैसे हमें बच रहे होंगे, हम क्यों नहीं आएंगे आप बताइए ना, यही तो कमाई, और ये मेरी इस चैनल से कोई कमाई नहीं है, जैसा कि और आपने देखा होगा यूट्यूबर्स होते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल हैं, वो उनकी काफ़ी अच्छी कमाई हो रही होती है यहाँ से, बट मेरी इस चैनल से कमाई नहीं होती यूट्यूब की तरफ से, कमाई जो सी है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से होती है, आप अगर कुछ खरीद रहे हो मुझसे तो उसमें मेरे को कुछ पैसे बचते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप मुझे कह रहे हो तो मेरे उसमें पैसे बचते हैं, कोई नया सिस्टम लेता है, कोई पुराना सिस्टम लेता है, वहाँ से कमाई आ रही है, बट YouTube चैनल जो है इससे मेरी अभी तक में कोई खास ऐसी कमाई नहीं है, जितना टाइम भी मुझे हुआ है चैनल बनाया अभी तक में मेरे को 32,000 रुपीज़ आए हैं
मेरे ख्याल से एटलीस्ट कोई 1.5 साल या 2 साल हो गया होगा चैनल, और ये चैनल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है भी नहीं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हमने डाला होता है वो सभी के लिए नहीं होता और ना ही वो सर्चिंग में आता है। आप देखोगे तो नॉर्मली सर्चिंग के अंदर जो वीडियोस आती है ना वो यही होती हैं कि अंडर 5,000 रुपीज़ होम थिएटर, अंडर 5,000 साउंड बार, इस तरीके की, तो वो चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बट यहाँ पर ये जो चैनल है ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला नहीं है, और जल्दी क्या मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर कभी भी नज़र नहीं आएंगे। तो यही काम है जो हम करते हैं जिससे मेरी कमाई होती है, इसलिए आप रिक्वेस्ट ना कीजिए, आप सिर्फ ऑर्डर करिए। अनमोल जी, सुशील मोहन जी, दीपक जी पानी है, सर पाइनियर की एलेक्स सीरीज जो सी है दीपक जी, अच्छे एरिया है उसमें, नो डाउट। शोभित जी, मैंने सराउंड राइट स्पीकर्स का वायर छोटा था तो मैंने उसे और लगातार जोड़ दिया था, जो मैंने किया रहा था ओके। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो, जो आपने वहाँ पर तार को जोड़ा है उसकी वजह से भी आपका AVR जोन है वो ट्रिप होता है। तो आप एक बार टेस्ट करके देखो, उस तार को हटा दो या उस वाले स्पीकर को निकाल दो, एम्पलीफायर के पीछे से वायर निकाल देना आप, और फिर आप चला कर देखो उसको कि तब भी वो ऑफ होता है या नहीं होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मुझे अभी बताया है कि वो तार आपने ज्वाइन की हुई है आपस में, तो बिल्कुल होता है ऐसा। अगर आपके AVR के अंदर ओडीसी का फंक्शन दिया होगा जो कि 250 में नहीं आता, तो आप जब उसे ऑटो कैलिब्रेट करते हैं तब वो हमेशा एरर दे देता है इसी चीज़ का, कि आपने जो वायर जोड़ी है आपस में उसका एरर आ जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास ओडीसी का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो AVR हमें बता नहीं रहा, वो सिर्फ ट्रिप हो के हमें बता रहा है कि मैं ट्रिप हो रहा हूँ, बार बार चेक कर लो भैया कोई बंदा है। आपको क्या हुआ भाई साहब, आपको समझ में आ रही है पापा की बात, क्या समझ में आ रहा है? पता नहीं, इधर आओ फिर बैठियो, चलो जी अभी ये बताएगा आपको, ये समझाएगा क्या है, ठीक है जी। चलो जी अब आप सबको बताओ क्या क्या सुना है आपने, क्या सुना है बताओ, पता क्यों नहीं, पता तो सब कुछ होता है, क्या है एटमॉस, क्या होता है स्पीकर होता है, अंदर करो तो मैं नीचे वाला रूप से 9 2 7 0। गुरुजी ये गुरुजी क्या है ये, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप, 9 2 7 0 प्राइस पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? शोभित जी आप भी अब थैंक्स वाइंस के चक्कर में बढ़ने लगे हो क्या? माँ की दाल और गेहूँ की दाल, गेहूँ के छिपा की रोटी, हेलो गणकेश जी कैसे हो सर जी, फोन ही नहीं उठाते यार आप, ये तो बड़ी गंदी बात है, रोमांची खाने लगी हो बताओ। 9 2 7 0 के लिए बेस्ट स्पीकर विद एटमॉस बता रहे हैं सर जी, 2700 के लिए किस बजट के अंदर स्पीकर चाहिए हैं आपको प्लीज बताइए, रूम साइज क्या है बताइए, सिटिंग आपकी स्क्रीन से कितनी दूर है प्लीज ये भी बताइए, अभी मैं आपको कुछ एक्चुअल और अच्छी चीज बता पाऊंगा। यार बीच में किसी के कमेंट अगर छूट रहे होंगे तो वो दोबारा कर दिया करो, ये कई बार निकल जाते हैं कमेंट, नहीं मुझे पता लग पाता है, बट कहीं आप ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ता या ऐसा कुछ है। वैसे मैंने कल एक चैनल देखा, ऑडियो से रिलेटेड ही है, इंडियन चैनल है, जो बंदा है वो अच्छा चैनल है, 2.5 लाख के आसपास हैं उसमें सब्सक्राइबर हैं उसके, और वो भी वीडियो इसमें था, लाइव भी कर रहा था वो कल या परसों की बात ही है, बट उस बंदे ने ये क्या 1.5 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन कमेंट्स का आंसर दिया जो उसको यहाँ पर पेड का ऑप्शन आता है, जो पैसे डोनेट करते हैं ना, जैसे
उनको आंसर किया, बाकी किसी का कमेंट उसने आंसर नहीं किया। बट मेरी कोशिश यार यही रहती है हमेशा कि मैं जवाब आपको सबका देता रहूँ जब तक दे पाता हूँ, जब तक दे सकता हूँ। स्पीकर वायर में कौन सा बच्चे राइट शोभित जी, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसका, बाद में आप वहाँ से फिर वो मंगवा सकते हो, या मैं यहाँ से भेज दूंगा आपको अगर आप कहोगे तो। डेनिम 1600 का सर्विस सेंटर कहाँ पर, वारंटी कितनी होती है? वारंटी मोनो जी एक साल की मिलती है। सर्विस सेंटर आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है, बाकी अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में नेहरू प्लेस के अंदर इसका सर्विस सेंटर है। मोस्टली जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पर हर एक में आपको इसका सर्विस सेंटर मिलेगा। सर जी डिफरेंस जो सा है 250 और इसमें, वो सबसे बड़ा है कि जो हमारा 250 है वो 5.1 चैनल है, एंड जो 550 है वो 5.2 चैनल्स में आ जाता है। एंड उसके अलावा एक फ़र्क आ जाता है इसमें डॉल्बी विज़न का, 250 में डॉल्बी विज़न नहीं है और उसमें डॉल्बी विज़न दिया गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, प्राइस का फ़र्क जरूर है। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, या फिर यहाँ से मैं कुरियर कर दूंगा अपने, जो हमारी वाली वायर होती है वो मैं ऊपर कर दूंगा। हाँ तो वो मैं यहाँ से भी कुरियर कर दूंगा आपको। अब लेंथ बता दीजिएगा कितनी चाहिए। अभी मैसेज करते हैं तो एक बार में करने लग जाते हो, सारे प्लानिंग करके करते हो, अब नहीं आ रहा तो आई नहीं। आर यू अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप? बिल्कुल सर, आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे हर कोई मिलेगा आपको। शिकार कर रहे हैं, शिकार पे लगाऊंगा। एंड हाँ यार, सो सो के याद आता है मुझे भी, ये मच्छर क्यों दुखी करती, एक मच्छर साला आदमी को जिला बना देते, मगर मैं नहीं बनना चाहता। हाँ जी, तो मैं ये कहता था कि अभी एक गूगल फॉर्म तैयार हो रहा है, आप लोगों की जो भी इंक्वायरीज वगैरह होती हैं तो आप उस गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करूँगा, आप उस फॉर्म को फिल कर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। बट पेड होता है, मतलब उसमें आपको थोड़े से चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो और अपने हिसाब से देख सकते हो। क्योंकि अब आपको मैं ये भी आपसे हम बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में भी यही आएगा कि यार जो हम पूछ रहे हैं वो तो यहीं पर पता लग रहा है हमें, तो हम आपको पैसे क्यों पे करें अलग से। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर आपसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात होगी, आप मुझे अच्छे से समझा सकेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा सकूँगा। अगर कुछ देखना होगा तो वीडियो कॉल के थ्रू मैं आपके रूम को, जितने भी उसकी वैल्यू होगी जो आप फीस पे करेंगे, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी वो उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगी। तो अभी वो काम चल रहा है, अभी उसके बाद में डेफिनेटली हम कर सकते हैं। मुझे भी दे दियो ग्लास, ले आइयो एक। ओके धवल जी, पैसे सब ऊपर को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए एम्पलीफायर अलग मिलेगा? सर अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो बिल्कुल एम्पलीफायर अलग से मिल जाता है, बट आपको खाली एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको क्रॉसओवर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसको लो फ्रिक्वेंसी पे कन्वर्ट करेगा। तो आपको एक एम्पलीफायर चाहिए उसके लिए और एक साथ में क्रॉसओवर भी चाहिए। कैन आई गेट योर व्हाट्सएप नंबर? हरविंदर जी प्लीज़ मैसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो। वहाँ पर लिख देना हैश टैग ऑडियो गुरु जी
नंबर मिल जाएगा आपको अपने आप। ओके सर, ओके टिंकेश जी। वैसे मैंने पहले बनाई थी बट वो काफ़ी पहले बनी थी, तो आई थिंक तो बहुत से लोग जो उनसे उस टाइम ज्वाइन नहीं थे, तो अभी वो काफ़ी हद तक बंदे जो उनसे वो नए भी आए हैं हमारे इस पे, तो दोबारा से इस वीडियो को बनाना बिल्कुल सही रहेगा। इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि किस वजह से हमारे AVR में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और आपको क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए। चीयर्स भाई लोग। कहाँ चले गए सारे यार? प्लानिंग बनाकर चले जाते हो क्या घूमने फिरने में? सारी बंद हो जाते हो एकदम से। और यार कोई भी नया व्यक्ति जुड़ा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अभी तक तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपनी जिसके साथ में भी करना चाहते। ओमकार जी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर। नहीं मैं समझ सकता हूँ कि नहीं आ रही है क्योंकि इस रूम के अंदर एसी नहीं लगा हुआ है एक तो सबसे बड़ा पहले, उसलिए मुझे फैन को ऑन करके रखना पड़ रहा है। सेकंडली जो माइक मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ वो इतना ज़्यादा सही नहीं है, जो दूसरा वाला माइक जो वैसे मैं यूज़ करता हूँ वो भी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से है। बाकी जब ऑफिस जाना शुरू हो जाएगा तो लाइव वहीं से किया करेंगे, वहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ कॉपरेट करें थोड़ा सा, वीडियोस वगैरह को शेयर वगैरह करते रहा करो, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगी मेरी भी। फाइव पॉइंट टू चैनल सेट यूज्ड होम थिएटर कितने तक मिलेगा? सर यूज्ड के अंदर में कोई अभी इस कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, 5.1 नहीं है, 5.2 नहीं है, 5.1 अगर लेते हो तो वो आपको मिल जाएगा 35,000 का पुराना स्टार्टिंग रेट है, जो उसमें आप जो भी इंक्लूड अगर करते हो अलग से तो वो अलग से हम उसमें डालेंगे। 20 मीटर वायर चाहिए होगा। शोभी जी प्लीज़ व्हाट्सएप पे भेज दो, यहाँ से ये मैसेजेस हट जाएंगे, मेरे को याद नहीं रहेगा। साथ में अपना वो भी कर देना यार, एड्रेस भी सेंड कर देना, आज ही कर देना तो मैं कल ही निकाल दूंगा यहाँ से ना। एक्चुअली में ये मेरे अभी 3 पार्सल जाने हैं कल के हैं ये अभी रेडी, 3 रेडी हुए हैं मेरे, तो इन्हीं के साथ में मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा। ये कल 3 जाएंगे यहाँ से, तो आपका वाला पैकेज भी मैं साथ ही भेज दूंगा। अमित भाई जी JBL के स्पीकर्स कैसे रहेंगे? सर JBL अच्छा ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है, कोई ऐसा वैसा ब्रांड तो भी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आप किस लिए ले रहे हो एंड कौन सा मॉडल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सुमित कुमार जी 5.2.2 के लिए क्या चीज़ रहेंगे? आपने क्या पूछा था जी? अच्छा JBL वाले आप ही होते हैं यार। JBL देखो बहुत अच्छा ब्रांड है नो डाउट, बट प्रो ऑडियो के अंदर में बहुत नाम है इनका, बट होम ऑडियो के अंदर ना इतनी पकड़ नहीं है इसकी। अभी इन्होंने एक सीरीज जो सी स्टेज सीरीज निकाली है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट उसी प्राइस रेंज में और भी ऑप्शंस जो से हैं और कंपनीज के वो ज़्यादा बेटर हैं इसमें। सर डेनन SCBA कैसा है? अमन देव जी अगर सीरियसली मेरी बात माननी है आपने तो इसे छोड़ दो बिल्कुल, कभी जिंदगी में मत लेना।
और ऐसे ऐसे बेवकूफ यूट्यूबर्स हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना कि जो उनसे पता नहीं क्यों वो हर एक चीज की अच्छाइयाँ कर दी हैं उन्होंने। वो एक हमारे भाई साहब हैं, वो एक और चश्मे वाले भैया हैं, शायद आपको पता हो, इस सेट की इतनी तारीफ की है ना उन्होंने, और वो क्यों की है, सिर्फ इसलिए कि एफिलेट मार्केटिंग करते हैं, कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर उसके थ्रू परचेज करते हो तो उसमें से कमीशन हमें मिलती है, सिर्फ इसलिए। और इतना बेवकूफ बंदा मैं उस बंदे को कहूंगा कि वो कहते हैं ना नकल भी अकल से मारी जाती है, तो यहाँ से इसके पता लगता है। वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि मैं अपनी पेन ड्राइव लेकर गया था, मैंने वीडियो प्ले करी एवीआर पर अपनी ही यूएसबी को लगाकर, और मुझे ऐसा इफेक्ट मिला कि डायनासोर मेरे पीछे से आने वाली आवाज़ जो सी थी वो ऐसी थी कि मुझे डायनासोर असली में लगा कि मेरे पीछे से। तो भगवान पहले तो उसको ये अकल दे कि भैया एवीआर के अंदर में यूएसबी जो सी होती है वो वीडियो को सपोर्ट नहीं करती है, वो सिर्फ ऑडियो को सपोर्ट करती है। मतलब कुछ भी बोल देना है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2.5 लाख उस बंदे के, और टोटली फ्रॉड ही बोलूंगा मैं तो, मतलब टोटली मिसगाइड करना लोगों को बस। सर कौन सी कंपनी का रहेगा? कंपनी सर जैसे कि डेनन का एवीआर हो गया, यामा के या पाइनियर के स्पीकर्स आ सकते हैं, टेनोय का सबवूफर आ जाएगा, इस तरीके से असेंबल करके आएगा वो। और जी सर डोंट बी एट मोस्ट समवेयर का फायदा बिल्कुल सर, फायदा तो देखो अमन जी, ये होता है ना कि आपके पास में जगह ही नहीं है होम थिएटर लगने की, तो वो एक अल्टरनेट आपके लिए है कि आप साउंड बार लगा रहे हो। बाकी अगर आपको एक्चुअल इफेक्ट, अबे बस कर यार, अगर आपको एक्चुअल इफेक्ट चाहिए, इतने पता नहीं कैसे कैसे बोलूँ, अगर आपको एक एक्चुअल एटमोसफेयर इफेक्ट चाहिए तो वो होम थिएटर से मिलेगा बस। सर जो बजट मेरे सुनीत में बच्चा, अब सर जी वो समझदार को इशारा काफी है। अरे जी घर पे डॉल्बी एटमॉस ठीक रहेगा कि नहीं? डॉल्बी एटमॉस सर घर के लिए ही बनाया गया है, कमर्शियल यूज के अंदर नहीं है यार, मेरे अभी क्या चला गया यार नीचे ना, एक्चुअली में ना वो तड़का लगा रहे हैं सब्जी के, और सारी मेरे को यार उसकी नाक में घुस रही है। भैया मैं जानता हूँ आप इसी बात कर रहे हो, MV1 बिल्कुल अंकित भाई सारे जानते हो मतलब तुम तो यार। मेरे को कल मेरे एक मतलब एक क्लाइंट ही है मेरे, उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा इसी का बंदे का, तो उसमें स्टार्टिंग जैसी वीडियो की हुई तो वो बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि मतलब एक दूसरी आवाज़ आ रही है, उसी की आवाज़ है, मतलब वो इस तरीके से रिकॉर्ड करी हुई थी कि कोई पूछ रहा है उससे कि हाँ ये वाली जो सी वीडियो है हमारी ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। वो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, इंडिया में तो होगी? वो कहता है नहीं होगी, ऐसी वीडियो आज तक नहीं बनी। वो कहता कहीं USA में ऐसी वीडियो होगी? बंदा कहता नहीं जी ऐसी वीडियो भी नहीं होगी। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं कहा यार क्या है ऐसा इस वीडियो के अंदर कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसी वीडियो नहीं बनी आज तक। और भाई जब मैंने वीडियो आगे देखा तो उसके अंदर वो एक 5-6 हज़ार रुपये के टावर स्पीकर होते हैं वो, और उसका कंपेयर कर रहे हैं सोनी के एक 4.1 चैनल का एक मल्टीमीडिया स्पीकर जो है उससे, और वो जो सा मॉडल है वो आज से पता नहीं मेरे ख्याल से 12 साल पहले मैंने एक बार लिया था, उस मॉडल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें इतना ज़्यादा वो शो हो रहा है कि ऐसी वीडियो कभी बनी नहीं है जिंदगी में, कि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे आई नहीं है कभी। तो मेरी तो हर एक वीडियो ऐसी होती है जो उनसे यूट्यूब पे कभी आती नहीं है। क्या होएगा ऐसे लोगों सर, यामा का कोई रिसीवर जो अच्छा हो? अमन ने कि यामा के रिसीवर अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, अच्छे एवेंटेज सीरीज इसकी अगर बजट आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी सीरीज आती है। और यहाँ पर मगर स्पीकर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप यामा का एम्प ले रहे हो ना तो स्पीकर जो से हैं वो कोशिश यही करना कि ब्राइट साउंड जोन है वो ज़्यादा देने वाले हो, क्योंकि ये वार्म होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो स्पीकर चाहिए वो ब्राइट हो। अमन देव जी सर आपका जो
समझाने का भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काश ये चीज़ सब लोगों को अच्छी लगे और हमारे चैनल पे भी एक अच्छा सा फैमिली आ जाए, बड़ी बड़ी वाली फैमिली। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पर हमें फैमिली बड़ी ही चाहिए। तो वो फैमिली आप ही क्रिएट कर सकते हो, मतलब बच्चे पैदा मत कर ले जाना, मतलब है सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, वीडियोस को शेयर करना, जाओ दिहाड़ी पे बच्चे पैदा करना। सुनील कुमार जी सर, तो आप ये सजेस्ट करो कि कौन सा ब्रांड ठीक रहेगा जो बजट में। अब सर ये बजट में होगा मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया कि आपने, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जो एक ये चीज़ बता दो जो बजट में हो। यार मुझे बजट कैसे पता लगेगा कि आपका क्या बजट है सर? अमनदेव जी लव इट, थैंक यू अमन जी वेरी वेरी मच, और जय हिंद के साथ। सर जी ESI 08 रिबन ट्विटर कैसा है? सर ये मॉडल मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कौन सा पूछ रहे हो। रिबन ट्विटर, सर रिबन ट्विटर वैसे तो अच्छी क्वालिटी देता है, बट अभी ये जो पूछ रहे हो आप ये क्या है मेरे को ये ध्यान में आया। ओके आई थिंक ये तो एक्टिव सब ऊपर लग रहे हैं, और सब ऊपर नहीं सॉरी बुकशेल पे आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, बजाओ रोड कॉम में आ रहा है ये प्रोफेशनल एक्टिव एक्टिव, हाँ एक्टिव है ना सर ये, मतलब किस यूज़ के लिए लेने हैं आप देखो उस पर डिपेंड करता है। स्टूडियो वगैरह है आपका, आप टेबल टॉप स्पीकर चाहते हो कि बिल्कुल आप सामने बैठे हो तो आपके सामने स्पीकर हो तो उसके लिए ठीक है, और बाकी रिबन ट्विटर की क्वालिटी हमेशा वैसे अच्छी रहती है, बट अभी यहाँ पर इस ब्रांड ने क्या गोली चलाई है ये नहीं पता मुझे। यू हैव क्वालिटी बिल्कुल अमन देव जी, यही सोच के इतने टाइम से लगा हुआ बस, मगर यार फिर भी ना एक्चुअली में देखो क्या होता है ना कि आप तो कोई भी काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो, मान लो मेहनत हर तरीके की जरूरी नहीं है कि रिक्शा चलाने वाला जो है वही मेहनत करता है, एक आर्किटेक्ट होता है जो कि एसी कमरे में बैठा होता है बट अपने काम के हिसाब से वो भी अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम वीडियोस बनाते हैं कुछ करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में यार, सच बताऊँ आपको रात को तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास मैं वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि उस टाइम बिल्कुल शोर नहीं होता, उसके बाद मैं उसको एडिट करता हूँ, उसके बाद उसे अपलोड करता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ये वो सब कुछ अटरम पटरम लिखना है, तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता। अगले दिन 12 बज जाते हैं सुबह के उसको एडिट वेडिट करते हुए ये वह, उसके बाद अगर तो सो लिया तो सो लिया, नहीं तो नहीं सो, मतलब बहुत मेहनत आती है। बट जब इतनी मेहनत के बाद में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिस्पॉन्स से मेरा मतलब पैसे से नहीं है, सिर्फ लाइक्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं ये बढ़ते हैं तो एक हौसला मिलता है, तो वो चीज अगर नहीं मिलती ना तो थोड़ा सा तो देखो फील होता ही है अंदर। ओमकार जी वो सोनी का कंपैरिजन मैंने भी देखा। ओके 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 सर, तो ना इसको नीचे कमी कर दिए, मतलब बात ये नहीं है कि सोनी का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो बंदा बोल रहा है वो कि ऐसी वीडियो नहीं बनी, मतलब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, पहले नहीं था वो बंदा बट जब से उसके सब्सक्राइबर अभी 2 लाख से ऊपर हुए ना उसके, वो तो एक अलग ही लेवल पे आ गए। पहले अपनी हर वीडियो में बोला करता था कि आप ही मेरे वो हैं, क्या होते हैं वो स्पॉन्सर्स हैं, मैं कभी भी कोई स्पॉन्सर वीडियोज नहीं बनाता, उस टाइम तेरे को मिल ही नहीं रही थी तो तू कहाँ से बनाता, अब तेरे को मिलनी शुरू हुई है तो अब तू वीडियो में क्यों नहीं बोलता भाई कि आप हैं मेरे स्पॉन्सर, मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे स्पॉन्सर हैं, अब क्यों कर रहा है फिर तू वही प्रमोशन वीडियोस क्यों बना रहा है तू? और लोग भी बेवकूफ हैं, बुरा मत मानना जो भी तुम्हारे में से कोई देखता है तो, कि उसकी बातों पे भी यकीन आ रहा है, वो शक्ल से ही मेरे को तो वैसे झूठा लगता है। टेंट टेबल के लिए, हाँ सर टेंट टेबल के लिए ले रहे हो तो ले लो क्योंकि उसमें एम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से काम डायरेक्टली आपका हो जाएगा। एक बार बी एम वन की है करके दिखा दो। शोभित जी क्या करवा रहे हो आप उससे? देखो जी पहले तो सबसे पहले बंदा डिसेंट तरीके से बैठता है, नीचे
जैसी वीडियो स्टार्ट होनी होता तो थोड़ा। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है वी एम वन। आप ही लोग इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, यानी कि मेरी ऑडियंस ही मेरी वीडियो की स्पॉन्सर है। मैं अपने चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे सच्चाई से ज़्यादा, सॉरी तो जो करता है वो क्या कहता है वो, क्योंकि मुझे अच्छी बातों से ज़्यादा आपको उनकी कमियां बतानी है। पता ऐसे करके करते हैं, मैं कोई एक्टर थोड़ी हूँ उसकी से मैं करता हूँ, है ना भाई। एक बार एक्टिंग वैसे मैंने पहले करी थी, बड़ी अच्छी से हो गई थी, मगर अभी मूड में नहीं आ रहा ना, इसलिए फॉर्म में नहीं। चलिए, कह रहे सलेश जी हेलो, और हेलो सर, सलेश जी बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। विच फ्रंट बुक्शा स्पीकर आर बेस्ट अलॉन्ग विद यामाहा सोनी एरिया फ्रॉम द रशियन बॉल कैंड तो सर पॉक ऑडियो के आप ले सकते हो, नो डाउट। जो आपको कौन सा बताया उसने, पॉक ऑडियो के आप S15 ले लो, या वो बैट अच्छे बुकशेल्स हैं। यामा का तो मैं नहीं बता सकता आपको कौन सा, मेरे माइंड में नहीं, मॉडल नहीं है यहाँ पर आपने लिखा हुआ। अमन देव जी में यू आर द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, थैंक यू रमन जी। बस कर पड़िए, रुलाएगा क्या यार। देखो आप लोगों को, देखो मैं सही लगता हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो हो रहा है। बट अगर एक चैनल को ग्रो करवाना है ना, वो आप लोगों के हाथ में, कि आप उसे जितना ज़्यादा वीडियोस को, क्या होता है वो, क्या करते हैं, वीडियो को शेयर, वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट चैनल के ऊपर आता है। तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इस तरीके के जो भी होते हैं उसमें कर सकते हो। ओमकार 4.1 को सराउंड साउंड बोलता है जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखो बात हो ही रही है ना, तो चुगलियाँ करने में वैसे बड़ा मजा आता है। तो एक वीडियो मैंने वहाँ देखी उसकी, जब लॉकडाउन चल रहा था ना पहले, तब की वो कुदरती मैंने उसी का जो टाइटल था उसका, वो मैंने गूगल पे डाला, तो वहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ गया, मतलब एक वेबसाइट खुल के आ गई, इंडियन वेबसाइट थी जिसमें लोग ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। तो वहाँ पर मुझे नाम नहीं याद बंदे का क्या नाम था, उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ था वहाँ पर, और उस ब्लॉग का एक एक वर्ड जो सा है उसने अपनी वीडियो के अंदर बोला था, मतलब उस बंदे ने, चश्मे वाले भैया ने, एग्जैक्टली सिर्फ वहाँ पर वो इंग्लिश में था लिखा हुआ, तो यहाँ पर उसने उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिया। बस एक एक अक्षर जो सा है ना, वो उसने नेट से चोरी किया हुआ था, मतलब कि उसके अंदर जो बोल रहा है वो बंदा, कुछ भी बोल रहा है वो, एक अगर छींक भी मार रहा है ना वो, तो उसने वो छींक को भी कॉपी किया हुआ था। और वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या बोला है कि मैं अपनी ही लेकर जाता हूँ, उनको टेस्ट करता हूँ शोरूम्स के अंदर अलग अलग जाकर, क्या है ये, मतलब भाई साहब ऐसा कौन सा शोरूम है जो तेरे को 10 बार अंदर आने देता है, जो कि बिना कुछ किए, मतलब तूने लिया भी कुछ नहीं तब भी वो तेरे को अंदर आने देगा। सेकेंडली अगर तू उसका प्रमोशन कर रहा है, बता रहा है अपने वीडियो में कि यहाँ से ले लो, ये कर लो, तो भी एक समझ आती है, वो तेरे को डेमो दे रहा है हर चीज़ का, ये तो कौन दे रहा है, कितनी बार जाएगा एक दुकान पर तू, और लोगों को नहीं समझ में आता ये। अब छोड़ो, बहुत ज़्यादा चुगलियाँ होगी, तुम भी कहोगे पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही जेलसी कर रहा हूँ मैं उससे, बट ये जेलसी नहीं है, याद रखना, ये खुंदक है मेरे को झूठ और सच की लड़ाई में। एक होम थिएटर कितने साल चलेगा सर, ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने गणेश जी, एक होम थिएटर कितने साल चलता है सर, आप अच्छे से चलाओ जिंदगी भर चलेगा। सुनील कुमार जी सुपर सर, विश्वजीत जी हा 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 अंकित और मस्त भाई, थैंक यू जी, जीतू हाँ वाला जी, थैंक यू सर, जीतू जी यूर ऑसम, थैंक यू जीतू जी, खुशी ओके। 5.2 सिस्टम कुछ बताएं, 5.2 तो यार वही आते हैं, एक दो मॉडल थे वो भी अभी तो आ नहीं रहा वैसे। आई बेस छोटा अमिती है क्या, हाँ जी सर ये छोटा अमिती है, ये छोटे गुरु जी हैं, छोटे गुरु जी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे अभी, क्या बोलना था, ऑर्डर कर लीजिए को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, धन्यवाद। बच्चे की तो मान लो
होगा जी, मैं आपको एक इंस्टाग्राम पे सजेशन देता हूँ, किसी वीडियो में ट्राई कर लो। ओके ओके होगा जी। हाँ जी, ओ बटन तो ये 3-4 बार दबाता हूँ, बंद करके चलाओ दोबारा, बस बटन बार बार 2 बार 2-3 बार दबाया होने ना, तो चलता है। जी स्वाद बेटा, बच्चा बहुत क्यूट बच्चा, थैंक यू बोलो। थैंक यू। इसका नाम है मास्टर दर्श शर्मा, सन ऑफ मिस्टर अमित शर्मा। जब ये छोटा था ना, ये मैं हर चीज मतलब जो भी मैं करना है ना, इसने भी शुरू हो जाना था, पेचकस पकड़ के बैठ जाता था। 2-3 बार इसने मेरे स्पीकर पे छेद कर दिए थे छोटे होते, जो करने लगा उसी में साथ ही जुड़ जाता था आगे। मुझे लगता है सारे थकार गए हैं। Which is best home theater under 30K? Sir, 30K के अंडर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। Logitech का Z906 है वो ले सकते हो, Sony का IV300 ले सकते हो, और Yamaha का थोड़े पैसे और डलते हैं अगर तो Yamaha का 1840 है वो ले सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं नहीं है इसके अंदर 30K के अंदर, और हाई एंड कंपनीज में तो कोई भी नहीं है। ठीक है जी भाई, उसको ज्वेदी जी बिल्कुल सिखाएंगे, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो पहले पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दे दे वो ज़्यादा अच्छा है, कि जो गलती हमने करी है वो एटलीस्ट बच्चे ना करें। तो पहले पढ़ने पे ध्यान देगा ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद तो अपने साथ लगा ही लेंगे इसको भी, धीरे धीरे करके सीखते ही रहेगा। छोटे गुरु जी हमने बोला था ना कि शेयर करो लाइक करो, और भैया बोल रहे हैं कि छोटे गुरुजी हमने तो कब का कर दिया था, कर दिया। थैंक यू करने के लिए, जिसने नहीं किया वो भी कर दो। ओके तो जीतू जी, छोटे गुरु जी हमने दिया, ओके मैं इसको सिखा सकता हूँ भाई, कहाँ क्या किया, खाना खाया कि नहीं? नहीं सर, अभी मैं एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं खाता मैं खाना, रात को जागना होता है मुझे पूरी रात ही, तो मैं तकरीबन पहले एक शिफ्ट लगाता हूँ 12 बजे के आसपास की, और एक शिफ्ट फिर मेरी खाने की 3 से 4 के बीच में होती है, जब वीडियो बनाने की बनानी शुरू करता हूँ ना उस ट्रिक, तो काफ़ी लेट ही खाता हूँ मतलब मैं। आई थिंक आपका मुझे लगता है टाइम हो रहा है खाने का। 50K अंडर को ये भी यार कुछ ऑप्शंस बताइए सर। सर 50K के अंदर में एक डेनन का 250 BT है, और 550 BT अगर मिल जाए तो वो है, और थोड़े से ऊपर पैसे और डालते हो 5000 रुपये डालोगे तो डेनन का 1600 है वो मिल जाएगा आपको, लॉजिटेक सोनी विच इज़ बेटर। सर अगर तो आपको बेस ज़्यादा चाहिए है तो आप लॉजिटेक ले सकते हो, अगर आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए है और साउंड फॉर्मेट ज़्यादा सपोर्ट करे तो IV300 इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है गुरु जी, आपसे मिलना था जून जुलाई में, बट कोई बात नहीं सर, हमने कहाँ जाना है, आप बिल्कुल आप पहले आराम करिए, ठीक होइए, उसके बाद में फिर मिल लेंगे दोबारा से। अंकित जी भाई जी प्राइस कब तक नॉर्मल होगा? अंकित जी प्राइस नॉर्मल नहीं होगा अभी ना, और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी MRP जो सी है वो नई वाली आ चुकी है, बट अभी और ज़्यादा बढ़ने, मतलब कि जो MRP तो वही रहेगी जो अब आई है, बट जो एक हमारा कट होता है ना, मान लो मुझे पहले 40% मिलता था तो अब वो 30 हो गया है, हो सकता है कि आगे जाके वो और ज़्यादा कम हो जाए, तो अभी प्राइसेस जो उनसे बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। पूजा शर्मा जी हेलो, हेलो माता जी। 40K बजट है, कौन सा होम थिएटर लेना चाहिए? रूम सर 40K के अंडर भी वही सेम 2-4 चीज़ें ही हैं जो उनसे आप ले सकते हो, IV300 सोनी का, Z906 लॉजिटेक, या Yamaha YHT
1840, बस इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नहीं है ढंग की। गुरु जी आप एक बार ओडिसी का के बारे कुछ समझाओ। सर ओडिसी देखो कुछ भी नहीं है, ओडिसी सिर्फ एक रूम कैलिब्रेशन डिवाइस है, एक सिस्टम है जो कि हमारे रूम के एकोस्टिक एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए हमारे स्पीकर्स के लेवल, उनकी फ्रिक्वेंसीज, उनकी पोजीशन ठीक है कि नहीं है, एंड इसी तरीके से वो सब चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो वैसे मैं बना चुका हूँ पहले, तो आप अगर पूरी जानकारी उस चीज़ की चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने शायद उसका टाइटल है ओडिसी समथिंग करके उसका टाइटल है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार, मुझे याद नहीं है। थैंक यू सर विक्की जी, विक्की जी थैंक यू, मैं बोलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, फिर चाहे जो मर्जी करो। मोहित जी माई बजट अराउंड 1 करोड़, हमें थिएटर बताइए। सर 1 करोड़ के अंदर में थिएटर नहीं बन पाएगा आपका, सॉरी। सर 55 में 1600 मिलेगा या पूरा सेट मिलता है? नहीं सर, 1600 AVR का जो प्राइस है वो 55,000 है, अगर आप बाकी का जो सामान और इंक्लूड करते हैं बीच में उसके चार्जेस जो है वो अलग आ जाएंगे। सर साउंड बार अगर लेना है 40,000 के नीचे, तो उससे पहले एक वीडियो में मैंने बनाई हुई है 50,000 तक की साउंड बार में, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं है मॉडल्स वगैरह मुझे। लता जी सर टेल मी द स्कूल एडमिशन कोड से होगा अप्रोक्सीमेटली। अभी आप 7 और 4 है ना, तो आपका हो गया 11 चैनल हो गए ना, तो 11 चैनल के हिसाब से देखो आपका जो रूम साइज है वो तकरीबन आप लगा के चलो जो गहराई है हमारे रूम की वो तकरीबन 20 से 25 फीट तक हो, और जो चौड़ाई है हमारे रूम की वो एटलीस्ट 15 के आसपास तो होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइस की बात अगर करते हैं तो 11 चैनल का एम्पलीफायर अगर आप लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 2.5 लाख रुपये का एम्पलीफायर है, मतलब 5 से 6 लाख रुपए तक का आपका लगा के चलो कि खर्चा हो सकता है, 6 से ऊपर ही आप लगाओ वैसे तो ऊपर ही चला जाएगा। डू यू हैव यूज एरिया प्लीज मेंशन मॉडल नंबर। हरी जी यूज्ड में हैं, मिल जाएंगे आपको एरिया, उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो जो चीज़ें यूज में होगी। RS Audio India को सर्च करोगे तो आपको फेसबुक पेज पे आ जाए मेरा आ जाएगा वहाँ पर। त्रिवेदी जी सर मेरा क्वेश्चन रह गया 9.2.6 वाला, सर जी दोबारा से पूछ लो एक बार, मेरे को नहीं पता अभी वो कमेंट आपका जा चुका है, पता नहीं कितने पीछे चला गया होगा, तो प्लीज़ आप एक बार दोबारा नहीं रहने दो, मैं भेजो दोबारा मिल गया मुझे। गुरु जी 9.2 सर ऐसा नहीं होता, 17 चैनल्स नहीं होते इसमें हमारे, मतलब चैनल तो 17 होते हैं, जो साउंड इफेक्ट होता है वो अलग अलग नहीं होता, जैसे ये चीज़ें हैं जो सी ये होती हैं हमारी गैदरिंग ज़्यादा होती है, जब हमारे रॉ जो है सिटिंग रॉ है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम एक सराउंड स्पीकर लगाते हैं नॉर्मली अपने साइड पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर जब रॉ ज़्यादा होती है हमारी तो उसके लिए उसी के साथ साथ में अलग से एक एक स्पीकर और लगाया जाता है, जैसा आपने थिएटर्स में देखा होगा कि हर एक सिटिंग जो सी लाइन होती है उसके साथ साथ में एक एक स्पीकर लगा हुआ होता है, तो वो जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट कोई मतलब चैनल्स ज़्यादा नहीं हो जाते उसमें, वो इफेक्ट जो सा होता है वो सिर्फ उसी को इन्हेंस करने के लिए होता है कि जो बंदा वहाँ बैठा है उसको भी सराउंड सुनेगा, जो यहाँ बैठा है उसे भी सुनेगा, उससे पीछे है उसे भी सुनेगा, तो सिर्फ चैनल क्वांटिटी बढ़ती है यहाँ पर, चैनल की वो क्वालिटी नहीं बढ़ जाती कि ये जो म्यूज़िक है ये इतने ही डिवाइड हो जाएगा, उन स्पीकर्स के अंदर में सेम इफेक्ट रहता है।
चाहता हूँ, क्या आप बना सकते हो? तो सर बनने को देखो कुछ भी बन जाता है, आपका एरिया बताइए क्या है, साइज क्या है आपका जहाँ पर आप बनाना चाहते हो वो बताइए। एवीआर के साथ एम्पलीफायर भी लगते होंगे तभी? हाँ सर वो तो नेचुरल है कि आपका एवीआर अगर मान लो कि 9 चैनल का लगा है या 11 चैनल या 13 चैनल का आपने लगा रखा है, वैसे तो आप जो ये बता रहे हो ना कि 16 चैनल टोटल, तो 16 चैनल का एवीआर आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, बट वो एक अलग चीज़ के लिए होता है और कॉस्टली भी काफ़ी होते हैं, तो उसके साथ में पावर एम्पलीफायर अटैच किए जाते हैं अलग अलग से। एक जो होम थिएटर होता है ना वो होता क्या है एक्चुअल में, मान लो आपका 5 पॉइंट होम थिएटर है, वो जो 5 चैनल है वो 5 मोनो चैनल है, वो मोनो है वो सारे, उसको सबको मिलाने के बाद में हमें 5.1 का इफेक्ट आ रहा है। वो अगर आप अलग अलग स्पीकर देखते हो तो एक जो चैनल है वो एक इंडिविजुअल बना हुआ है मोनो के अंदर, एक चैनल अलग से मोनो के अंदर है, मतलब इस तरीके से सारे हैं। तो जब इसे आप थिएटर के लिए स्पीकर ज़्यादा लगाना चाहते हो, इवन आप घर पर भी अगर ज़्यादा लगाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो ए वी आर है वहाँ से आउट आएगी, वो आउट जोन सी है, वो एक ही आउट जोन सी है, वो पावर एम्पलीफायर में जाएगी और उस पावर एम्पलीफायर से 3 स्पीकर 4 स्पीकर जैसा भी उसकी कन्फिग्रेशन होगी वो अटैच हो जाएंगी। तो वो आप स्पीकर क्वांटिटी चाहे आप जितनी मर्जी ज़्यादा करते रहो उससे कोई मैटर नहीं, ऐसा ही जो है वो थिएटर्स में भी सेम यही किया गया होता है। आप कभी भी नोटिस करके देखोगे तो आपको सारी जो रॉ है वहाँ सेम का सेम इफेक्ट आता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप अगली रॉ पे बैठे हो तो उसमें कुछ अलग इफेक्ट आ रहे हैं या इस वाली में कुछ अलग आ रहा है, तो ऐसा नहीं किया गया होता है। पता नहीं मैं समझा सका हूं आपको कि नहीं। ओमकार जी क्या लगाइए भाई जान है एनआईडीएम में सजेशन अंकर जी, अभी इंस्टाग्राम तो अभी ओपन करूँगा लाइव के बाद में, तो एक बार फिर चेक कर लूँगा और आपको रिप्लाई भी दे दूँगा ऑन कैमरे। ओके सर, थैंक यू त्रिवेदी जी, मुझे लगा नहीं था कि समझा पाऊँगा आपको, मगर चलिए आपको समझ आ गया, तो थैंक यू वेरी मच। हरविंदर सिंह जी, सर जब एटमॉस डिस्क प्ले होती है तो क्या बैक सराउंड काम नहीं करते, सिर्फ और द हेड? नहीं 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 ऐसा नहीं होता हरपिंदर जी, ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी मूवी है ना, अगर वो 3 घंटे की आप मूवी देख रहे हो तो वो 3 घंटे की मूवी के अंदर हार्डली 15 या 20 मिनट का साउंड ऐसा होता है जो कि हमारे ऊपर के स्पीकर्स में से आता है, बाकी के स्पीकर्स जो उनसे हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि वो काम करना बंद कर देते हैं, बट पूरी मूवी में सिर्फ इतना ही टाइम होता है जो कि हम ऊपर से हमें आवाज़ आती है इसमें, और उसमें से भी कई इफेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आपने सॉरी जिसे कि आप बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो आपको वो सुनाई देंगे, नहीं तो पता नहीं लगेगा आपको। तो बाकी के जो स्पीकर्स हैं वो काम करते रहते हैं बिल्कुल। अभी मैंने एक वीडियो बनाने की और भी सोची है जिसमें ये है कि एटमॉस वर्सेस साउंड क्वालिटी या साउंड क्लैरिटी, कि एटमॉस ज़्यादा ज़रूरी है या साउंड क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी मैंने अभी सोचा ही है बनाने का, बनाया नहीं है कुछ भी वीडियो अभी, तो सिर्फ सोचा है बनाने की कि शायद नॉर्मली जो लोग एटमॉस का सेटअप लेना चाहते हैं मगर बजट कम है, मगर वो सोचते हैं कि नहीं एटमॉस ही लेंगे हम, ये है वो, उनके लिए वो वीडियो जो सी है मैं बनाना चाहता हूँ, तो कोशिश करूँगा जितना भी जल्दी ऐसे हो सके। मैंने जो बोल कॉडियो सिग्ना साउंड बार लिया था बहुत अच्छा है, उसके डायलॉग्स फीचर सबसे अच्छा है। हाँ सर वो बहुत अच्छे उसमें दे रखा था ऑप्शन था, जो डायलॉग्स है काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर कर देती थी वो, और बाकी जिस प्राइस में सर आपको दी थी वो प्राइस वैसे भी मिट्टी के रेट में आपको मैंने वो दी थी। पायनियर 07 इज डॉल्बी एटमॉस के लिए लेना चाहिए कि नहीं? एकम जी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखो
सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना सराउंड साउंड जो होता है वो 5 चैनल में आता है, बट अगर आप एक इस तरीके का कोई भी सेटअप खरीदते हो तो ये जो से है इसको आप 5.1 कॉन्फ़िगरेशन से चेंज कर 3.1.2 बना देते हो, यानी कि हमारे जो सराउंड स्पीकर है ना वो काम करना बंद कर देते हैं, सिर्फ एडवांस स्पीकर जो आपने ऊपर लगा दिए वो काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसा कि 3 घंटे की फिल्म के अंदर 15 मिनट का साउंड ऐसा होता है जिसमें एटमॉस का इफेक्ट आता है, तो अब आप खुद सोचो कि वो 15 मिनट के लिए आप स्पीकर ऊपर लगा रहे हो और अपने सराउंड स्पीकर जो है उसको बंद कर रहे हो, तो क्या ज़्यादा सही है वो या ये, यानी ये एटमॉस या साउंड, और 5.1 एक्चुअल साउंड होता है। बस स्नेहलता जी नहीं मैम, 4700 जो सा है उसको आप 2 चैनल और बढ़ा सकते हो वहाँ पर, मतलब कि 9 चैनल तो ऑलरेडी उसमें है ही है ना, तो आप एक पावर एम्पलीफायर अगर अलग से लगा देते हो आप तो वो आपका 11 चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इसे 7.2.4 की कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हो, बस आपको एक पावर एम्पलीफायर की अलग से और ज़रूरत पड़ेगी। गुरु जी आप दिल्ली रहते हो, नहीं तो मैं पूरा प्रोजेक्ट में आपसे बनवाता हूँ। त्रिवेदी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवाइए हम भी बना देंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आकर भी बना देंगे, ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, हर जगह पे हमारे काम चलता है, आप देश के किसी भी कोने पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। अमन जी सर बॉट साउंड और जरोनिक अमन देव जी, सच्ची बात अगर मैं बोलूँ आपको तो इनमें से किसी के अंदर भी एटमॉस का इफेक्ट नहीं आता ढंग से, ढंग से क्या मैं तो कहूँगा आता ही नहीं है, एटमॉस को भी छोड़ो सराउंड का जो सा इफेक्ट है वो भी नहीं प्रॉपरली आता है उसमें। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल या मैसेजेस मुझे आते हैं कि हमने ये वाली साउंड बार का रिव्यू देखा था, वो कहाँ देखा था, आपको पता ही है सबको कहाँ देखा होगा उन्होंने, तो हमने वो वाली ले ली, उसमें बड़ी तारीफ करी थी और अब यहाँ पे तो बेकार है वो, ये इफेक्ट आ ही नहीं रहा उसके अंदर, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बहुत फोन मुझे ऐसे आते हैं। चश्मीश को पता नहीं क्या मिलता है लोगों का पैसा खराब करके, और आप अभी डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना वहाँ पे उसने लिख के रखा होता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो वाला फीचर्स या वो वाला साउंड क्वालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसमें मैं मेरा कोई वो नहीं है, आप अपने दिमाग से काम लें, मतलब ये चीज़ पहले ही उसने डाली होती है डिस्क्लेमर में, और यहाँ पर मैं चैलेंज के साथ चीज़ आपको दूंगा कि जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको बोल दिया है ना अगर वो उस काबिल नहीं है, वैसा इफेक्ट वो आपको नहीं देती है, तो आपको मैं डबल पैसे वापस करूँगा, ये ऑनलाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रेफर कर दूंगा कि हाँ ये चीज़ आप ले लो, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, ये सिर्फ मेरे जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ये वो है, कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखता कि मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया होम थिएटर आपको सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं देगा, इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं लिखता कुछ भी, क्योंकि मैं सिर्फ सजेशन देता ही उस चीज़ का हूँ जो उनकी बेस्ट चीज़ आपके लिए होगी। अपनी होम थिएटर का टूर वीडियो बनाओ, कैन यू कन्वे लो कैन बी प्लीज नो हाउ मच इट विल कॉस्ट टू डिजाइन एंड सर तकरीबन कुछ 300 रुपये स्क्वेयर फीट के आसपास का खर्चा आप लगा कर चलो यहाँ पर। सर अपने होम थिएटर का टूर का वीडियो बनाओ, मैं सब जानी मतलब कौन से होम थिएटर का, तो
अमनदेव जी 20 से 30 हज़ार में अगर होम थिएटर लेते हो तो यार वो तो वही फिर दो चार मॉडल जो उनसे मैंने पहले बताए हैं आपको, सोनी IV300 एंड लॉजिटेक Z906 या यामावा ST1840, यही चीज़ें हैं इस बजट के अंदर। तो इसके अलावा और तो नहीं है कुछ भी। अगर यूज्ड में लेते हो तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। ओंगा जी एटमॉस के लिए प्रीमियम स्पीकर लगाए या फिर लो प्राइस स्पीकर्स? नहीं सर, एटमॉस के लिए देखो वैसे तो कोई अलग से स्पीकर नहीं होते, मतलब उनका डिज़ाइन सिर्फ इस तरीके से बना देते हैं कि वो एटमॉस के लिए बोल दिए जाते हैं, बट जो अंदर यूनिट उसके लग रहा है, जो ड्राइवर है उसका, वो कोई स्पेशली डिज़ाइन नहीं होता कि एटमॉस का इफेक्ट देगा। आप कोई भी स्पीकर लगा सकते हो वहाँ पर, बट अच्छी क्वालिटी के लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे ही मिलेंगे आपको। तो जैसे मैंने पर्सनली अभी जो मेरा डेमो रूम है वहाँ पर सराउंड सॉरी उसके लिए ये एटमॉस के लिए फोकल के सैटेलाइट्स हैं वो मैंने लगा रखी हैं, तो आप कोई भी स्पीकर लगा सकते हो, बट ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। सर बजट प्रॉब्लम नहीं है आपको तो मैकेंटोश का एम्पलीफायर खरीदो प्री एंड पावर, और मैकेंटोश के स्पीकर्स भी आते हैं आप उनको साथ में लगाओ अगर बजट की दिक्कत नहीं है कोई भी। एसी में क्या क्या इनपुट्स हैं बताइए प्लीज़। यामा 1840 में क्या क्या इनपुट हैं सर, मेरे को मतलब समझ नहीं आया। इनपुट सर उसमें आप RCA इनपुट दिए गए हैं, ऑप्टिकल दिया गया है, कोएक्सल दिया गया है, HDMI दिया गया है, एंड बस यही दिया गया है इनपुट्स के अंदर, तो यही है। हेडफोन कनेक्टर है वो भी लगा सकते हो। कंपनी के होम थिएटर आते हैं क्या अभी और रहते हैं वो? सर पाइनियर जोन से पाइनियर को ऑनकियो ने परचेज कर लिया है, तो पाइनियर जोन से वो ख़त्म हो गया अभी, जो स्टॉक बना हुआ है इनका कुछ वो पड़ा हुआ है कुछ, अभी जो उनसे पाइनियर के सेट है वो अब ऑनकियो वालों ने टेक ओवर कर लिया, मतलब खरीद ही लिया ऐसे तो, कंपनी तो खरीद ही ली है, तो पाइनियर अभी तो आ रहा है बट हो सकता है आने वाले टाइम पे बंद कर देंगे बिल्कुल ही। सर 300 शेयर भी तो फिर तो ठीक है, मुझे एग्जैक्टली बताया जा सर उसके लोन पूरी कर लिए। सर अपने रूम साइज़ जो सा आपका है उसको स्क्वेयर फिट के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए और उसको फिर 300 रुपये स्क्वेयर फिट के हिसाब से उसको आपस में गुणा कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसकी कॉस्ट पता लग जाएगी। मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है और ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं ऐसी कहीं का ऐसी मैथमेटिक कर सकूँ यहाँ पर। बाकी ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं होता है, एकोस्टिक के बाद में और कई चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर, सेटिंग के लिए क्या लगाना है, डेकोरेशन के लिए क्या लगा रहे हो, कौन सा सिस्टम आप लगा रहे हो, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एकोस्टिक के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, एकोस्टिक आपका 1 लाख रुपए में भी हो सकता है, 10 लाख में भी हो सकता है, 50 लाख में भी हो सकता है। जो हाईएस्ट मैंने अभी तक जो किया है एक सेटअप जो बनाया मैंने गुजरात के अंदर किया था वो हमारा कुछ 26 लाख रुपए के आसपास का पूरा बजट था, जिस पे आपने कमेंट भी किया था। मंदिर जी 40 से 50 तक अगर आप जाओगे तो इसमें देखो एक मॉडल ही और जुड़ जाएगा फिर आपका, यामा का ही 3072 सॉरी, और थोड़े से और अगर डालते हो 10-15 हज़ार रुपये को फिर तो आप अच्छी चीज़ पा सकते हो। डेनन का एम्पलीफायर ले लो, कॉल कॉडियो के स्पीकर आएंगे, अलग अलग लेवल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। फोकल वाले सैटेलाइट स्पीकर्स का ऐसा समझो शोभित जी अच्छे हैं वो भी, फोकल तो यार वैसे ही नाम से ही निकल जाता है, मतलब कि मतलब इसके बारे में तो किसी को कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर सेल करने हो तो बस नाम ही बता दो तो लोग निकल लेते हैं लेके। वैसे
अप्रोच का कौन सा मॉडल, मैकिंटॉश का? सर जी एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको, भी मेरे को याद नहीं है। जी इसमें देखो, एक तो आप ले सकते हो MA9000 इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है जो कि 300 वाट आउटपुट देता है हमें पर चैनल। एंड स्पीकर्स में आप जा सकते हो, स्पीकर्स आपको बता देता हूँ, मुझे मॉडल नंबर याद नहीं है क्योंकि यस। हाँ तो स्पीकर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो आप XRT 2.1K मॉडल है जो कि परचेज कर सकते हो, बट फिर से मैं बोलूँगा अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो। सर मैं पहले तो करवा दूँ बस आप गाइड कर। हाँ सर बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बजट अगर आप इंक्रीज करते हो तो आप काफ़ी अच्छी चीज़ ले सकते हो। तो सर 70,000 तक अगर आप जा सकते हो तो देखो आप डेनन का 250 VDAVR आता है जिसके साथ में पॉलकॉडियो के TL1600 स्पीकर्स आते हैं जिनकी मैचिंग बहुत अच्छी बनती है, या फिर आप इलेक के सिनेमा 5 है वो भी लगा सकते हो, उसकी भी मैचिंग जो उसकी वो 250 के साथ में बहुत बेटर बनती है। तो बाकी कुछ 60 और 65 के बीच बीच में आपका ये सेटअप बन जाएगा। यार कोई नया बंदा अगर हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बाकी की वीडियोस भी देखिएगा, हो सकता है आपकी कोई जानने वाली चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाए। जी थैंक्स ब्रो, यू वेलकम सर। डेनन और वरान सर जी दोनों एक ही कंपनी है, दोनों बहुत अच्छे एम्पलीफायर्स हैं, दोनों की में कोई कमी नहीं है, मतलब कि ऐसी आप जो भी चाहो ले सकते हो। आपको अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आप डेनन लो, अगर आपको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो आप मरांस ले सकते हो, बाकी डिपेंड करता है आप स्पीकर्स कौन से ले रहे हो। अगर आपके स्पीकर्स लाइट हैं, हल्के स्पीकर हैं आपके, तो मरांस में भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो मरांस के, और अगर स्पीकर्स हैवी हैं आपको ज़्यादा पावर चाहिए उसके लिए तो आप डेनन लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। नमस्कार नमस्कार सर, डेनन 2700 एंड स्पीकर सेटअप कम से कम कितने का बजट हो सकता है? 2700 के साथ में सर तकरीबन आप लगा के चलो, अगर अच्छे से आप बनाना चाहते हो उसको इंडिविजुअली स्पीकर्स अगर हम लगाते हैं उसमें कोई पैकेज वाला सिस्टम नहीं लेते हैं तो तकरीबन 2 लाख रुपये तक का आप लगा कर चलें। क्लिप्स के लिए सर आप मरांस भी ले सकते हो क्योंकि सेंसिटिविटी अच्छी आती है क्लिप्स की, तो आप दिक्कत हो जाएगी एक यहाँ पर बीच में मेरा फोन कटी क्यों कि ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। मरांस 6006 मैच में BMW 68 बुक शेल्फ, बिल्कुल सर बिल्कुल करेगा। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ बुक शेल्फ स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं आपने अरपिंदर जी, तो ये ऐसी कंडीशन में मैं ये PMA एम्प सीरीज अगर आप लेते हो, सॉरी PMA नहीं आती इसमें यार, कौन सी आती है, मतलब स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट करते हो तो लो। आपने पूरा नंबर नहीं लिखा इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि स्टीरियो बताया आपने या क्या बताया।
ये 7 लाख है, समझा नहीं भाई मैं क्या कह रहे हो आप। बिल्कुल सर मिलेगी, आप चाहे बेडरूम में लगाओ, आप चाहे कहीं भी लगाओ, आपको बिल्कुल मिलेगी क्वालिटी। सर यूज का कुछ नहीं पता होता, कब आ रहा है कब जा रहा है कुछ नहीं पता। बिल्कुल सर 5005 PM सीरीज के अंदर आप S50 बिल्कुल लगा सकते हो और अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इसमें। तो चलिए यार आज के समारोह को यहीं पर ही समाप्त करेंगे, फिर से मिलेगा मैं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर। कल वीडियो डल जाएगी, वैसे मैं भी आज रात को शूट करूंगा और कल डल जाएगी। बुकशेल्फ की है वो top 5 बुकशेल्फ स्पीकर, उसमें बताई है मैंने। तो अभी के लिए चलते हैं, सबके सोने का भी टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से, सारे लेंथन अवेलेबल तो होनी। और इंस्टाग्राम पर जो मैंने आपको बताया करने लाइव के लिए, तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या टाइमिंग हमें रखनी चाहिए और किस दिन का रखें, जो कि आज से ज़्यादा बंदे कनेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी अवेलेबली टाइम निकलेगा तो उसको हम शुरू कर देंगे वहाँ से। और अभी के लिए फिर बस यही है, बाकी ज़्यादा चाहूँगा आपसे और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया होगा, शेयर कर देना वीडियो को, और जो सवाल लोगों के तुम्हारे मतलब कि किसी के भी रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको वहाँ कर दूंगा। अभी के लिए चलते हैं, गुड नाइट, खाना खाओ और लम्बे पहनो।